हेलो दोस्तों, तो चलिए आज लेक्चर में देखते हैं हम लोग इंडियन इकोनॉमी से संबंधित क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन वन लाइनर में, इनके क्वेश्चन देखते हैं उनके आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। केंद्रीय करों में राज्यों को कितने प्रतिशत हिस्सेदारी पर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी? तो याद रखे 29%। अगला क्वेश्चन है हमारा, विक्रेता बाजार क्या होता है? तो याद रखिए, ऐसा बाजार जहां मांग की अपेक्षा पूर्ति कम होती है। अगला है हमारा अंकड़ा टाड नाइन का आयोजन कहाँ किया गया? मेडरैंड में, दक्षिण अफ्रीका। अगला है, योजना में कोर सेक्टर का क्या तात्पर्य है? तो याद रखिए, चयनित आधारभूत उद्योग। अगला है, भारत में सकल घरेलू बचतों में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? याद रखिए, घरेलू क्षेत्र का। अगला है, इंडिया इज फोर सेल नामक पुस्तक किसने लिखी? तो याद रखिए, चित्रा सुब्रमण्यम ने। अगला है, दक्षेस की स्थापना हुई 1985 में। अगला है, स्वामीनाथन समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो याद रखिए, जनसंख्या नीति। अगला है, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना हुई? तो याद रखिए, 20 मार्च 1985 में। अगला है, भारत में सर्वाधिक कम आय वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखिए, बिहार। अगला है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? तो याद रखिए, कृषि एवं सिंचाई। अगला है, भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा है? तो याद रखिए, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अगला है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? 1907 में, टिस्को की स्थापना 1907 में। अगला है, भारत में सर्वाधिक गन्ना किस राज्य में उत्पन्न होता है? तो याद रखिए, उत्तर प्रदेश। अगला है, भारत के किस राज्य में साक्षरता दर प्रतिशत सबसे अधिक है? तो याद रखिए, केरल में। अगला है, भारत के किस राज्य में जन्म दर सबसे अधिक है? तो याद रखिए, उत्तर प्रदेश में। अगला है, भारत में शिशु मृत्यु दर किस राज्य में सबसे अधिक है? उड़ीसा में। अगला है, भारत में बाल श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। अगला है, योजना आयोग द्वारा कौटिल्य पुरस्कार से सम्मानित पुस्तक भारतीय आर्थिक नियोजन यथार्थ और संभावनाएं के लेखक कौन है? तो याद रखिए, प्रोफेसर मधुसूदन त्रिपाठी। अगला है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब से लागू हुई? तो याद रखिए, 17 सितंबर 1997। अगला है हमारा, नंजुन दप्पा समिति 1993 का संबंध किस विषय से? तो याद रखिए, रेल भाड़ा विषय से। अगला है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है? तो याद रखिए, मनीला फिलीपींस में। अगला है, भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय दान दाता है? तो याद रखिए, जापान। अगला है, WWF का क्या अर्थ है? तो याद रखिए, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। अगला हमारा, नाबार्ड जो ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है क्या है? तो याद रखिए, बैंक। अगला है, किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी? तो याद रखिए, राज समिति ने। क्या योजना आयोग संवैधानिक आयोग है? नहीं। अगला है, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया? तो याद रखिए, 1978 से 1979। अगला है, भारतीय नियोजन किस सूची का विषय है? तो याद रखिए, संबर्तु सूची। अगला है, कपार्ट का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। कपार्ट का फुल फॉर्म है काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। अगला है, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सीबी की स्थापना कब हुई? तो याद रखिए, 1988 में। अगला है, ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? तो याद रखिए, मुद्रा के विचलन से।
अगला है निक्की क्या है, तो याद रखिए टोकियो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक। अगला है भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब हुई, तो 1 जनवरी 1982। अगला है आर्बिट्रेज का क्या अभिप्राय है, तो याद रखिए स्वतंत्र विदेशी मुद्रा बाजार में कम मूल्य पर क्रय की गई मुद्रा की अनैतिक ऊंचे मूल्य पर बेचने की प्रक्रिया। अगला है बीएन युगांधर समिति किस क्षेत्र से संबंधित है, तो याद रखिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना से। अगला है प्रत्येक पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है, यह नियम किसने प्रतिपादित किया, तो यह जेवी से। अगला है उत्पादन की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, भारत। अगला है हमारा विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, तो 1995 में हुई, WTO की, इसमें 164 देश मेंबर हैं। ठीक है, अगला है हमारा भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन सा संगठन करता है, तो याद रखिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। अगला है भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो विकासशील। अगला है भारत की राष्ट्रीय आय किसके द्वारा अनुमानित होती है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। अगला है केंद्र व राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन है, तो वित्त आयोग। अगला है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, तो के सुब्बा राव, ये पुरान वर्तमान में है उजीत पटेल थे, याद रखिए उर्जित पटेल के बाद शशिकांत दास बने हैं, अभी 2019 में शशिकांत हैं। ठीक है, अगला है मुद्रा के अवमूलन का क्या अर्थ है, तो ये याद रखिए अन्य मुद्राओं की तुलना में देश की मुद्रा में कमी, मुद्रा के मूल्य में कमी। अगला है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है, तो हैदराबाद में। अगला है बंद अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य है, आयात निर्यात की अनुपस्थिति। अगला है उद्योगों के तीव्र विकास तथा उद्योगीकरण की रणनीति मुख्य रूप से किस योजना का अंग थी, तो द्वितीय योजना। अगला है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट किस समिति द्वारा प्रस्तुत की गई, तो याद रखे राकेश मोहन समिति। अगला है एक कोई भी कर जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है, लगाने व एवं वसूलने करने का अधिकार किसको है, केंद्र सरकार को। अगला है इलास्टिक मनी क्या है, तो क्रेडिट कार्ड। अगला है आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है, लघु उद्योग क्षेत्र से। अगला है कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना किससे संबंधित है, तो याद रखिए बालिका शिक्षा से। अगला है आर एन मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, तो ये बीमा क्षेत्र से संबंधित। अगला है भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, तो याद रखिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। अगला है भारत ने योजना आयोग का गठन कब किया था, 1950 में। अगला है राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर किस योजना में न्यूनतम रिकॉर्ड की गई, तो याद रखिए तृतीय में। अगला है दूध के उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान है, भारत का तो पहला। अगला है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी में। अगला है हमारा ओपेक का मुख्यालय वियना में, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का। अगला है भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया, तो याद रखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। अगला है अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख पहरी माना जाता है, तो याद रखिए WTO या विश्व व्यापार संगठन को। अगला है भारत के प्राचीनतम केंद्रीय श्रमिक संगठन AITUC का किस अन्य श्रमिक संगठन में विलय करने की योजना है, तो हिंदू मजदूर सभा। अगला है द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी भारत के किस शहर में है, तो शिमला में।
अगला है, केंद्र सरकार द्वारा घोषित योजना संगम योजना ने किस वर्ष के कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया? वे विकलांग वर्ग के कल्याण पर, तो विकलांग वर्ग के। अगला है, अंतरराष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय जेनेवा में। अगला, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में। अगला है, मोटर कारों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड पर किस उद्योग घराने का आधिपत्य है? तो याद रखिए बिड़ला घराने का। अगला है, हरा सोना किसे कहते हैं? चाय को। अगला है, कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा किस पर की जाती है? अभिदत्त पूंजी पर। अगला है, भारत ने पहली बार बैंकों का 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया? 19 जुलाई 1969 को। अगला है, भुगतान संतुलन को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो याद रखिए एक देश का शेष विश्व के साथ एक निश्चित समयावधि के दौरान किए जाने वाले मौद्रिक लेन देन का विवरण। अगला है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस योजना की विशिष्टता थी? तो याद रखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना। अगला है, भारत के किस राज्य में औसतन वार्षिक आय न्यूनतम आंकी गई? तो याद रखिए बिहार में। अगला है, वित्त आयोग का प्रमुख कार्य, तो याद रखिए केंद्रीय करों में राज्यों के भार तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत निर्धारित करना। अगला है, क्या भारतीय रिजर्व बैंक 1 रुपये के नोट छापता है? नहीं। अगला है, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? सोवियत संघ के। अगला है, हरित क्रांति से सर्वाधिक उत्पादन किस खाद्यान्न का हुआ? गेहूं का। अगला है, भारत सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? 24 जुलाई 1991 को। अगला है, जानकी रामन समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? बैंकों की प्रतिभूतियों के सौदे की जांच के लिए। अगला है, केंद्रीय राजस्व बोर्ड का विभाजन करके केंद्रीय उत्पाद शुल्क सीमा शुल्क बोर्ड एवं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? 1963। अगला है, अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना कब की गई? 1957 ईस्वी में। अगला, एशियाई विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? दिसंबर 1966 में। अगला, ट्राइटेम का सूत्रपात एक केंद्रीय फिर आयोजित योजना के रूप में कब किया गया? तो याद रखिए 15 अगस्त 1979 में। अगला है, पूर्ण रूप से भारतीय देश का प्रथम बैंक कौन सा बना, कौन सा था? पंजाब नेशनल बैंक। अगला है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी? 1 सितंबर 1956 को। अगला, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में। अगला, हमारा स्टैगफ्लेशन क्या है? तो याद रखिए मंदी के साथ मुद्रा स्फीति। अगला है, दूरहस्ती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की बहुउद्देशीय परियोजना है? याद रखिए जम्मू कश्मीर की। अगला है, भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना कब की गई? अगस्त 1996 में। अगला, हमारा ऑटो रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया कहाँ है? पुणे में। अगला, नाफेड की स्थापना किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु की गई थी? कृषि उपजों के विपणन के लिए। अगला, पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से। अगला, ट्राइफेड की स्थापना कब की गई? 1987 में। अगला, निर्धनता निवारण को एक उद्देश्य के रूप में किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक आयोजन के उद्देश्यों में शामिल किया गया? तो याद रखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला है, भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब की गई? तो याद रखिए 1 जनवरी 1982। अगला है, हमारा स्वर्ण जयंती रोजगार योजना का संबंध किस क्षेत्र से? नगरीय क्षेत्र से। अगला है, भारत में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग है? तो याद रखिए सूती वस्त्र उद्योग। अगला, ट्राइटेम क्या है? तो याद रखिए ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम। अगला है, हमारा 1934 में लिखी गई पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक हैं सर एम विश्वेश्वरैया। सर एम विश्वेश्वरैया, बढ़िया अजीब नाम है। अगला है, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक का मुख्यालय है बैंकॉक में। अगला है, भारत में विदेशी मुद्रा पर नियंत्रण किसका है? तो याद रखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन।
भारत में लीड बैंक योजना कब प्रारंभ की गई? 1969 में। अगला है, विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? तो याद रखिए, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ। अगला है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है न्यावा सेवा। अगला है, पारादीप बंदरगाह से मुख्य रूप से किस अयस्क का लदान किया जाता है? लोहे लोहे अयस्क। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1956 द्वारा किस नवीन व्यवस्था को लागू किया गया? न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। अगला, राष्ट्रीय आय की वार्षिक वृद्धि दर किस योजना में न्यूनतम रिकॉर्ड की गई? तृतीय योजना। अगला है, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? 20 मार्च 1985। अगला है, देश की प्रथम डिपोजिटरी द नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड की स्थापना मुंबई में किस वर्ष की गई? 8 नवंबर 1996। अगला है, 1956 को औद्योगिक नीति में आवा एवं सात तीन वर्गों में उद्योग को वर्गीकृत किया गया। कौन सा वर्ग सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के लिए था? तो वर्ग सा। अगला है, आधारित संरचना वित्त कंपनी का मुख्यालय चेन्नई में। अगला है, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस योजना में की गई? 8वीं योजना में। अगला है, मत्स्य उत्पादन वृद्धि को किस क्रांति का नाम दिया गया? नीली क्रांति। अगला है, पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप स्वीकार किया गया राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। अगला है, गुलाबी क्रांति से किसको किसकी उत्पादन वृद्धि का आशय होता है? झींगा मछली। अगला है, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र भारत के समुद्र तट से दूर है, समुद्र में 200 नॉटिकल मील तक। अगला है, हमारा सार्वजनिक इक्विटी की सहायता से स्थापित किया जाने वाला देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? कोचीन में। अगला योजना आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? मोटेक सिंह अहलूवालिया। याद रखिए, योजना आयोग को अब खत्म कर दिया गया, 2019 की बात कर रहा हूँ, इसकी जगह पर नीति आयोग आ गया है। तो अब 2019 में योजना एवं नीचे रहा अस्तित्व में। ठीक। अगला है, भारत में नारियल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है केरल। अगला है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? सेवारामन समिति। अगला है, भारत में 1 रुपए के नोट किसके पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त मंत्रालय के सचिव के। अगला है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय कंपनी है? आईसीआईसीआई। अगला है, ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय कोष किसके द्वारा संचालित होता है? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा। अगला है, डीडीटी डीडीपी का संबंध है मरुस्थल विकास कार्यक्रम से। अगला है, संबंधित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम का कब प्रारंभ? 1972-73। अगला है, विश्व बैंक द्वारा विभिन्न देशों की प्रति व्यक्ति आय की गणना करने के लिए क्रय शक्ति की समता की गणना हेतु तो किस देश की कीमतों को मानक के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की। अगला है, वंद अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आयात निर्यात व्यापार न हो। अगला है, भारत की पहली जनगणना कब हुई? तो 1872 में मेयो के काल में, नियमित हुई थी 1881 में लॉर्ड रिपन के काल से। ठीक है। अगला है, भारत सरकार ने अपनी पहली लघु क्षेत्र औद्योगिक नीति की घोषणा कब की? 6 अगस्त 1991 में। अगला है, विश्व जनसंख्या दिवस किस दिवस मनाया जाता है? किंद। तो याद रखिए, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला है, गरीबी हटाओ तथा तो आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य है? याद रखिए, 5वीं पंचवर्षीय योजना का। अगला है, राष्ट्रीय सुरक्षा कोष की स्थापना कब की गई थी? तो 22 अक्टूबर 1962। अगला है, देश का पहला राज्य कौन सा है जिसके सभी विकास खंडों को कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ दिया गया? तो याद रखिए, आंध्र प्रदेश। अगला है, भारत में वर्तमान में रुपए की परिवर्तनीयता लागू होती है भुगतान संतुलन के चालू खाते पर? अगला है, समाधान योजना का संबंध है कर विवाद से। अगला है, विजन 2000 किस राज्य सरकार द्वारा प्रशासन एवं विकास के लिए की गई योजना है? तमिलनाडु। अगला
अगला है वीकॉन 98 क्या था, तो बैंक और शास्त्रियों का सम्मेलन। अगला है हमारा यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का प्रमुख उद्देश्य क्या था, छोटी छोटी बचतों को प्रोत्साहन देना। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सम्मेलन की देन है, तो याद रखिए वेटन बोर्ड सम्मेलन की। अगला है शून्य आधारित बजट से क्या तात्पर्य है, तो बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। चलिए तो हम लोग देख रहे हैं अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख क्वेश्चन और उनके आंसर वन लाइनर में। शून्य आधारित बजट से क्या तात्पर्य है, तो यह बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। सेबी के अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान की बात करें तो अभी 2019 में अजय त्यागी हैं। इसका सेबी का मुख्यालय है हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक। इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को, ठीक। अगला विश्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो दिसंबर 1945 में। भारत में पर्यटन व होटल उद्योग को कौन बढ़ावा देता है, तो ITDS। अगला है भारतीय वेतन नीति का आधार क्या है, तो जीवन निर्वाह लागत। अगला है वोल्ट संबंधित है, तो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज से। अगला है काम के बदले अनाज कार्यक्रम में किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था, तो याद रखिए पंचवर्षीय, पांचवी पंचवर्षीय योजना। अगला है उपभोक्ता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो 15 मार्च को। अगला है भारत में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, मध्य प्रदेश में। मुद्रा उन्मूलन का आयात निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ता है, आयात महंगा और निर्यात सस्ता हो जाता है। ब्याज की तरलता अधिगम अधिमान सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो यह कीन्स ने। अगला है सैन वेट का संबंध किससे है, उत्पाद शुल्क से। अगला है डाभोल भोल पावर प्लांट किस राज्य में, महाराष्ट्र में। ICICI की स्थापना हुई 1955 में। जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण हुआ 1956 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई 1935 में। अगला है बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन की स्थापना कब हुई, 1987 में। अगला है स्वतंत्र भारत का प्रथम आम बजट को प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री कौन है, आर के सड़ामुखी सेट्टी। अगला है वाणिज्यिक स्तर की देश की पहली सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की जाए, मथानिया जोधपुर में। क्रिसिल का पूरा विस्तार क्या है, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगला है शेयर बाजार में उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है, जो भविष्य में शेयर कीमतों में वृद्धि होने का अनुमान करता है और इसे देखते हुए भविष्य में बेचकर लाभ कमाने के उद्देश्य से शेयर की खरीदारी करता है, तो इसे बुल कहते हैं। अगला है उदार मुद्रा क्या होती है, तो वह मुद्रा जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग की तुलना में पूर्ति अधिक हो। भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप है संरचनात्मक बेरोजगारी। G8 संगठन में सम्मिलित किया गया आठवां राष्ट्र कौन है, रूस। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई, इसके अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए, 1938 में जवाहरलाल नेहरू। भारत की किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता के विकास से हटाकर प्रतिरक्षा को की ओर केंद्रित किया गया, तो यह तृतीय योजना। अगला है भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम रोजगार गारंटी कार्यक्रम चलाया था, तो महाराष्ट्र ने। अगला है केंद्र सरकार ने वर्ष 2001 को घोषित किया, तो महिला अधिकारिता वर्ष। अगला है राष्ट्रीय इक्विटी निधि स्कीम का संचालन किसके द्वारा किया जाता है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी द्वारा। अगला है सैन वेट क्या है, तो केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रणाली। अगला है नवीन राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत साक्षरता दर 75% कर लेने को क्या समय सीमा निर्धारित की गई, सन 2005 की गई थी। अगला भारत में औसतन एक डाकघर कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को सेवा प्रदान करता है, तो 21.42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को। अगला इंटरनेट का सम्राट किसे कहा जाता है, तो यह माया मासा योशी सन। अगला भारत में श्वेत क्रांति का प्रथम चरण ऑपरेशन फ्लैट थर्स्ट कब प्रारंभ किया गया, 1970 में। अगला 21 वर्ष आंध्रा बैंक कोऑपरेटिव बैंक न्यू बैंक ऑफ इंडिया
ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक और विजया बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ, तो 15 अप्रैल 1980 को। अगला, स्तरम विभाजन बाजार के आकार के द्वारा सीमित होता है, यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? एडम स्मिथ। अगला है, विश्व बैंक ने भारत को सामान्यतः किस अवधि की योजनाओं के लिए ऋण उपलब्ध कराया? तो यह दीर्घकालीन परियोजना। अगला है हमारा, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1964 में। अगला है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? तो 1949 में। अगला है, किस पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा गया? चौथी पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। अगला है, किस पंचवर्षीय योजना को पूरी होने से एक वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में। अगला है, समन्वित ग्रामीण विकास योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो 1978-79 में। व्यय सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केपी गीता कृष्णन। अगला है, राष्ट्र RBI का अध्यक्ष कौन? तो RM माला, ये तब थे, अभी वर्तमान में 2019 में हेमंत भार्गव IDBI के अध्यक्ष हैं, हेमंत भार्गव 2019 में। अगला है, राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का संकलन भारत में किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो यह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष कौन हैं नाबार्ड के? तो विकास बख्शी। तो 2019 की वर्तमान की बात नाबार्ड के अध्यक्ष की करें तो डॉक्टर हरस कुमार भानवाला है अभी, ठीक। अगला हमारा, जब कुल राजस्व के समान ही कुल लागत होती है तब उस स्थिति को क्या कहते हैं? संतुलन स्तर बिंदु। अगला है, डॉलेक्स किस स्टॉक एक्सचेंज का शेयर सूचकांक है? तो मुंबई का। अगला है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता का नया नाम बांग्ला रूपांतरण करके क्या स्वीकार किया गया? कोलकाता। अगला है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब की गई? 1948 में। अगला है, प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया? 1951 में। अगला है, सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है तो उत्तर देश के आर्थिक क्रियाकलाप का वह भाग जो सरकार के कार्य क्षेत्र में आता है। अगला है, किस पंचवर्षीय योजना में भुगतान संतुलन का शुद्ध घाटा कितना है? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में। अगला है, आठवीं पंचवर्षीय योजना में भुगतान संतुलन का शुद्ध घाटा कितना था? 58.925 करोड़। अगला है, भारत में प्रथम मजदूर संघ अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस है जिसकी स्थापना 1920 में हुई, वर्तमान में इसमें कुल श्रमिकों का कितना प्रतिशत भाग संबंधित है? तो 11.4%। अगला है, मध्यकालिक उधार दर वह दर जिस पर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक उधार देता है। अगला है, भारत में औसतन एक डाकघर कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को सेवा प्रदान करता है? तो यह 21.3 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को। अगला है, देश में सड़क परिवहन संबंधी मांग की लागत लगभग कितनी प्रतिशत आवश्यकता राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा पूरी की जाती है? 40%। इंदौर में मुख्यतः किसके लादान के लिए बड़े पत्तन का निर्माण किया गया? तो यह मुख्य रूप से कोयला के लिए। भारत में प्रति हेक्टर कृषि भूमि उत्पादकता में सर्वोच्च दो राज्य कौन से? पंजाब और हरियाणा। अगला है, भारत में औद्योगिक मूल सृजन किस राज्य में सर्वाधिक है? महाराष्ट्र में। अगला है, भारत किस पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकरण पर सर्वप्रथम बल दिया गया? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अगला है, भारत में निजी क्षेत्र में पहला बंदरगाह किस राज्य में स्थापित करने की सहमति हो गई है? तो यह पश्चिम बंगाल में। अगला है, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर तक विस्तृत है? तो यह भारत के समुद्र तट से 200 नॉटिकल मील का तक कुल 24 लाख वर्ग किलोमीटर तक भारत का EEZ है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अगला है, स्वतंत्र विदेशी बाजार में यदि किसी स्थान पर कोई मुद्रा कम मूल्य पर खरीदी जाए तथा तुरंत ही अनन्यंत किसी स्थान पर ऊंचे मूल्य पर बेच दी जाए तो इस क्रिया को कहा जाता है आर्बिट्रेज। अगला है, G15 संगठन को की सदस्य संख्या वर्तमान में कितनी है? 19 सदस्य है। अगला है, विश्व व्यापार संगठन के महासचिव कौन है? माइक मूर। देश की पहली डिपोजिटरी द नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो यह 8 नवंबर 1996 ईस्वी में।
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का कब प्रारंभ की गई? तो 1 अप्रैल 1969 को। नवी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति कब हुई? तो 31 मार्च 2002 को। अगला है, न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो ये था नवी पंचवर्षीय योजना का। अगला है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? 6 अगस्त 1992 में। 6 अगस्त 1952 को। विश्व का सबसे बड़ी अनुसंधान प्रणाली किस देश की है? तो भारत की है। भारत का पहला निगमित बंदरगाह है एन्नौर। राष्ट्रीय आवास विकास बैंक किसकी सहयोगी संस्था है? तो भारतीय रिजर्व बैंक की। अगला है, भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 280 में। अगला है, द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। भारत में हरित क्रांति किस मसाले में मामले में सर्वाधिक सफल रही है? गेहूं और चावल में। अगला है, अवमूल्यन का शब्द का अर्थ होता है अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। अगला है, विश्व के किस देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली सबसे बड़ी है? तो भारत की है। भारत में सर्वाधिक रोगग्रस्तता वाला उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। किस पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा गया? तो 34वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला है, तंबाकू उत्पादन में विश्व का अग्रणी देश है चीन। विजन ऑफ साउंड किस ब्रांड के उत्पादन की विज्ञापन पंक्ति है? तो कैन बोर्ड की। भारतीय स्टेट बैंक ने किस नाम से विदेशी मुद्रा प्राप्त करने की योजना जारी की है? तो इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट योजना। अगला है, सरकार द्वारा लागू किए जाने वाले नॉन सिपर्स योजना का संबंध है निर्यातित माल से। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है जुलाई जून। अगला है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर किसके द्वारा विकसित किया जाता है? भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। अगला है, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय बराबर होती है? तो वास्तविक राष्ट्रीय आय कुल जनसंख्या। अगला है, फिशर के विनिमय समीकरण का सही रूप है? तो MBV बराबर PT। अगला है, विश्व आर्थिक फोरम की ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट में किस देश का प्रथम स्थान है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। अगला है, भारत में सहकारी बैंकों का गठन कितने स्तरों पर वाला है? तो 3 स्तरों वाला। अगला है, बैंकों को अपने रोकड़ शेष तथा कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, उसे कहते हैं सांविधिक तरलता अनुपात SLR। अगला है, भारत में मुद्रा स्फीति मापी जाती है? तो थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। अगला है, श्रेष्ठ बाजार का अर्थ सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। अगला है, भारत के संचित कोष के धन की निकासी किसकी अनुमति से संभव होती है? संसद की अनुमति से। अगला है, भविष्य में उत्पन्न होने वाली संदिग्ध कमी या अभाव का सामना करने के लिए बनाए गए किसी वस्तु के भंडार को क्या कहते हैं? बफर स्टॉक। अगला है, भारत में नियोजित आर्थिक विकास की प्रक्रिया कब प्रारंभ की गई? 1951 में। अगला है, भारत के आकस्मिक कोष में से धन की निकासी किसकी अनुमति से की जाती है? तो यह राष्ट्रपति की अनुमति से। अगला है, भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन है इंटक। अगला है, सार्वजनिक क्षेत्र में के बैंक में कौन बैंक सबसे बड़ा है? तो भारतीय स्टेट बैंक। अगला है, भारत में नए निजी के लिए कितनी आरंभिक न्यूनतम चुकता पूंजी होना चाहिए? तो 200 करोड़। अगला है, रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण अपने कोष में रखना चाहिए? 115 करोड़ रुपए। अगला है, बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा कहाँ प्रस्तुत की जाती है? लोकसभा में। अगला है, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया? तो 1978-79 में। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पहरी किसे कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को, IMF को। अगला है, हमारा भारतीय बैंकों की विदेशों में शाखाएं किस देश में सर्वाधिक है? UK में। अगला है, महिला समृद्धि योजना कब प्रारंभ की गई? 2 अक्टूबर 1993 को। विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में है? तो 1 जनवरी 1995 में। अगला है, मूल संरचनात्मक सुविधाएं में शामिल की जाती है? तो ऊर्जा, परिवहन, संचार, बैंकिंग, वित्त, बीमा, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य और शिक्षा। अगला है, भारतीय नियोजन के 4 दीर्घकालीन उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, समृद्धि, पूर्ण रोजगार, आय और संपत्ति की असमानता में कमी तथा समाजवाद समाज की स्थापना। अगला है, गरीबी हटाओ न्याय के साथ समृद्धि के नारे कब दिए गए? 1970 के दशक में।
अगला है, क्रमशः आत्मनिर्भरता की प्राप्ति यह उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से था? चौथी पंचवर्षीय योजना। अगला है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था, जिसके अंतर्गत निर्धनों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, जलापूर्ति, आवास आदि के न्यूनतम आवश्यक स्तर को उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया? पांचवी पंचवर्षीय योजना। अगला है, भारत के किस बैंक ने सर्वप्रथम विभिन्न शहरों में स्थित अपने कार्यालयों को उपग्रह नेटवर्क से जोड़ा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। अगला है, मद डिया किसे कहते हैं? तो स्टॉक चेंज में वह व्यक्ति जो स्टॉक या शेयरों की कीमतें गिरने की आशा में वस्तु को भविष्य में देने का वायदा कर बेचता है। अगला है, भारत में केंद्रीय बैंक का कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, आरबीआई द्वारा। बैंक दर से क्या तात्पर्य? तो वह दर जिससे पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। अगला है, संविधान के अंतर्गत सार्वजनिक कोष को उगाहने और व्यय करने का अधिकार किसके पास है? केंद्र और राज्यों सरकारों के पास। प्रत्यक्ष कर क्या होता है? तो वह कर जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है और वह उसका भुगतान करता है, प्रत्यक्ष कर कहलाता है। हिंदू विकास दर की अवधारणा किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने दी? तो यह प्रोफेसर राजकृष्णन ने। अगला, इफको क्या है? तो भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी संस्था है। अगला, स्वतंत्र भारत में मुद्रा का उन्मूलन प्रथम बार किस वर्ष किया गया? तो 1949 में। अगला, राजा चेलिया समिति की सिफारिशें किससे संबंधित थी? प्रत्यक्ष व परोक्ष कर संरचना से। अगला है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध व नियंत्रण के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का गठन किया गया। इस बोर्ड में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है? वित्त मंत्री। अगला है, किस व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत उसकी संपत्ति के हस्तांतरण के समय लगाए जाने वाले कर को क्या कहते हैं? ए, स्टेट ड्यूटी। अगला है, कम आय वाले उपभोक्ता अपनी आय का अधिकांश भाग भोजन आदि पर व्यय करते हैं, लेकिन आय में जैसे जैसे वृद्धि होती है तो कुल आय का कम भाग भोजन पर व्यय होता है, यह किसका नियम कहलाता है? एंजल का नियम। अगला है, ऐसी मुद्रा जिसमें विनिमय दर लगातार भुगतान संतुलन घाटे का कारण गिरती रहती है और इस प्रकार की मुद्रा को कोई भी देश अपनी विनिमय कोष के भाग के रूप में अपने पास रखना नहीं चाहता, कैसी मुद्रा कहलाती है? उदार मुद्रा, सॉफ्ट करेंसी। ऐसी मुद्रा जिसमें विनिमय दर के गिरने की संभावना हो या गिर रही हो तथा जिसे कोई भी स्वीकार करने से कतराता हो क्या कहलाती है? उष्ण मुद्रा, हॉट करेंसी। अगला, ऐसे ऋण को क्या कहते हैं जिससे कम ब्याज और लंबी अवधि जैसे आसान शर्तों पर प्राप्त किया जाता है? तो ये उदार ऋण, सॉफ्ट लोन। अगला है, किसी वस्तु पर लगाया गया कर जो उसकी मात्रा के आधार पर ना लगाकर मूल्यानुसार लगाया जाता है क्या कहलाता है? एड वैलोरम टैक्स। अगला, स्टॉक एक्सचेंज में जो व्यक्ति शेयरों की कीमत गिरने की आशा कर सौदे कर भविष्य में देने का वायदा कर बेचते हैं क्या कहलाते हैं? मंदड़िया। अगला, स्टॉक एक्सचेंज में वे व्यक्ति जो शेयरों की कीमत बढ़ाना चाहते हैं क्या कहलाते हैं? तेजड़िया। अगला, अंतरराष्ट्रीय बाजार में जिस मुद्रा की आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम होती है कैसी मुद्रा कहलाती है? हार्ड करेंसी। अगला, मेरिनो ऊन उत्पादन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, यह किसकी नस्ल है? भेड़ की। अगला है, सीडो संबंधित है तो लघु उद्योगों से। अगला है, भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग इकाइयां संबंधित हैं तो हथकरघा से। अगला है, बैंक दर क्या कहलाती है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है? अगला है, किसी राष्ट्र में विकास हो रहा है या अथवा नहीं इस तथ्य के अन्वेषण का पारंपरिक अस्त्र क्या है? सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर। अगला है, मानव विकास सूचकांक प्रतिवर्ष किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा। अगला है, स्वतंत्रता के पश्चात पहले 30 वर्षों में राष्ट्रीय आय की समृद्धि की चक्रवर्ती दर मात्र 3.4% रही। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री राजकृष्ण ने इसे क्या नाम दिया? तो यह विकास की हिंदू वृद्धि दर। अगला है, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक किसने लिखी? तो यह एम विश्वेश्वरैया। अगला है, भारत सरकार की बाजार से ऋण प्राप्त करने की क्षमता रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किस अनुपात पर निर्भर करती है? तो यह वैधानिक तरलता अनुपात SLR। अगला है, सभी व्यक्तियों को समय पर उनके लिए आवश्यक मूलभूत भोजन उपलब्ध होना खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। खाद्य सुरक्षा को परिभाषित करते हुए परिभाषा जिसके संस्था ने दी? तो यह खाद्य एवं कृषि संगठन FAO। अगला है, किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव को भारत का आर्थिक संविधान भी कहते हैं? तो औद्योगिक नीति 1956 को।
अगला है, किस देश का जीवन स्तर प्रमुखता किससे जाना जाता है? तो प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय से। अगला है, क्राइसिल किसका संक्षिप्त रूप है? क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड का। अगला है, मॉडर्न फूड्स नाम के केंद्रीय सरकार के उपक्रम को किसने खरीदा है? हिंदुस्तान लीवर्स ने। अगला है, उस स्थिति को क्या कहते हैं जब ऋण पर ब्याज भुगतान के लिए भी ऋण लेने की स्थिति आ जाए? तो यह ऋण जाल। तो चलिए हम लोग अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके आंसर देख रहा हूँ। वन लाइनर में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन, भारत में केंद्र सरकार की आय के स्रोतों को संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित किया गया? तो यह 7वीं अनुसूची। भारत की संचित निधि से होने वाले व्यय और भारत व्यय के लिए संसदीय मंजूरी किस विधेयक के माध्यम से प्राप्त की जाती है? तो यह विनियोग विधेयक। 1955 में एम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीय किस बैंक की स्थापना की गई? तो यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला है, विनिर्मित वस्तुओं में सर्वाधिक आय किससे प्राप्त की होती है? तो रत्न एवं आभूषण से। यदि कोई राष्ट्र मशीनरी संयंत्रों, विनिर्मित वस्तुओं और प्रौद्योगिकी का निर्यात कर रहा है तो वह किस श्रेणी के राष्ट्रों में आता है? तो विकसित राष्ट्रों। अगला, उत्पादक व उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने किस प्रणाली को आरंभ किया? तो यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अगला, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को किस अन्य नाम से अधिक जाना जाता है? तो विश्व बैंक। अगला है, भारत में बचत का अधिकांश भाग किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो घरेलू क्षेत्र से। अगला है, भारतीय वैज्ञानिक महा विकास संस्थान कहाँ स्थित है? रांची झारखंड में। अगला है, ग्रामीण विकास के लगभग सभी कार्यक्रमों को नवी पंचवर्षीय योजना में किस योजना में समाहित कर दिया गया? तो यह स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। अगला है, भारत में विदेशी मुद्रा कोष पर नियंत्रण किसका है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। अगला है, बैंक दर किस नीति से संबंधित है? तो मौद्रिक नीति से। अगला है, मालेगाम समिति का गठन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह प्राथमिक पूंजी व्यापार। अगला है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप स्वीकार किया? तो केरल ने। अगला, आय असमानताओं में वृद्धि या कमी को किस माध्यम द्वारा आकलित किया जाता है? तो यह ग्रीनी गुणांक एवं लॉरेंस बग। अगला है, कॉन्कर्ड रेल परियोजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो यह 1990 में। अगला है, किस एक लेखा वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का बाजार कीमत पर मूल क्या कहलाता है? सकल राष्ट्रीय आय। अगला है, पूंजी निर्माण के तीन चरण कौन से? तो बचत का सृजन, बचतों का संगठन, वास्तविक निवेश। अगला है, किस राष्ट्र के आर्थिक स्थायित्व को किन सुनिश्चित समष्टि संकेतकों के व्यवहार द्वारा जाना जाता है? तो यह राजकोषीय घाटा, भुगतान शेष व मुद्रा स्फीति। अगला है, भारत में ग्रामीण साख सुलभ करने वाले संस्थानों की शिखर संस्था कौन सी है? तो यह नाबार्ड। अगला है, भारतीय आयात की सबसे बड़ी मद क्या है? तो पेट्रोलियम तेल एवं लुब्रिकेंट कैंट। अगला है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का निरपेक्ष लागत लाभ सिद्धांत किसने विकसित किया? तो यह एडम स्मिथ ने। अगला है, समृद्धि की अवस्थाएं अवधारणा किससे संबंधित है? तो यह रो स्टो से। अगला है, जब घरेलू कीमतों पर वस्तुओं और सेवाओं के लिए कुल मांग इनकी आपूर्ति की तुलना में अधिक हो जाती है तो कौन सी मुद्रा स्फीति प्रकट होती है? तो यह मांग प्रेरित स्फीति। अगला है, रिजर्व बैंक के निर्देशों के अंतर्गत संचालित निजी क्षेत्र का पहला बैंक कौन सा है? तो यूटीआई बैंक लिमिटेड 1994। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने से लेकर उनके समापन तक अधिकार किस विनियमन अधिनियम द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 द्वारा। पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो यह राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। अगला, उत्तर प्रदेश का निर्यात प्रसंस्करण केंद्र कहाँ है? नोएडा में। अगला है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में महान विभाजक वर्ष 1921 है। अगला है, भारत में गरीबी के बारे में अफवाह सिद्धांत संबंधित है तो बी
के आर वी राव से। अगला है, भारत की किस पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकीकरण का सर्वप्रथम बल दिया गया, सातवीं अनुसूची में। अगला है ग्रामीण, सातवीं। अगला है ग्रामीण विकास के लगभग सभी कार्यक्रमों को नवीं पंचवर्षीय योजना में किस योजना में समाहित कर दिया गया, तो यह स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना। अगला है चक्रीय बेरोजगारी से क्या तात्पर्य, तो व्यापार चक्रों के कारण उत्पन्न हुई बेरोजगारी। अगला है, भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है, तो यह मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला है, भारत सरकार द्वारा प्लानिंग कमीशन की स्थापना किस वर्ष की गई, 1950 में। अगला है, निर्धनता के दुष्चक्र की संकल्पना किस अर्थशास्त्री के नाम से जुड़ी, तो रैगनर्स नकर। अगला है, राष्ट्रीय आय के प्रदर्शन का सबसे विश्वसनीय आधार है साधन लागत पर, NNP। अगला है, अमेरिका पत्रिका फॉर्च्यून ने 40 वर्ष से कम आयु के विश्व के 40 सर्वाधिक धनवान व्यक्तियों की सूची में भारत के एकमात्र व्यक्ति को 8वां स्थान प्रदान किया है, तो ये आदित्य बिड़ला समूह के कुमार मंगलम बिड़ला को। अगला है, अर्थशास्त्र का वर्ष 2002 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो ये डेनियल काहानमैन वार्नोल एवं बार्नोल एल स्मिथ को संयुक्त रूप से। अगला है, निजी क्षेत्र की कौन सी कंपनी बिक्री व शुद्ध लाभ दोनों की दृष्टियों से देश का सबसे बड़ी कंपनी है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अगला है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र बचत बहुमूल्य है, तो घरेलू क्षेत्र। अगला है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में हेडगिंग का अर्थ है विदेशी विनिमय जोखिम से बचाव करना। अगला है, भारतीय बाजार में पीटर इंग्लैंड ब्रांड नाम से उपलब्ध है कमीजें। अगला है, भारत में औद्योगिक रुग्णता की समस्या के समाधान का उत्तरदायित्व किस संस्था को सौंपा गया, तो यह औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बैंक को, निर्माण बोर्ड को। अगला है, रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को बेचे जाने वाले सरकारी बॉन्डों व प्रतिभूतियों पर अदा की जाने वाली ब्याज दर को क्या कहा जाता है, रिपो दर। अगला है, रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड योजना तथा इंडिया मिलेनियन डिपॉजिट योजना किस बैंक ने प्रारंभ की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, SBI ने। अगला है, निजी क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाले बैंक के प्रमोटरों का अंशदान किसी भी समय बैंक की चुकता पूंजी का न्यूनतम कितने प्रतिशत रखा गया है, तो ये 40% है। अगला है, महल नोविस अथवा नेहरू महल नोविस कूटनीति पर भारत की किस पंचवर्षीय योजना का प्रारूप आधारित था, है तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अगला है, आदर्श बेरोजगारी व्यक्तियों की सीमांत उत्पादकता प्राय कैसी होती है, तो शून्य अथवा ऋणात्मक। अगला है, जब सीमांत आगम शून्य होता है तो मांग की लोच कितनी होती है, तो इकाई के बराबर। अगला है, दास कैपिटल के लेखक कौन है, कार्ल मार्क्स। अगला है, बड़ा धक्का अथवा प्रयास सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, रोजेस्टीन रोडान थीसस। अगला है, संतुलित विधि के सिद्धांत का सर्वप्रथम का समर्थन किया, तो रोजेस्टीन रोडाल एवं रेगनर नकर से तथा आर्थर लुइस। अगला है, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का विकास किस रणनीति पर आधारित था, तो महाल नोबिस रणनीति पर। अगला है, सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के किस क्षेत्र को सर्वोच्च वरीयता प्राप्त प्रदान की गई थी, ऊर्जा क्षेत्र को। अगला है, पूंजी निर्माण के 3 चरण कौन से हैं, तो बचत का सृजन, बचतों का संगठन तथा वास्तविक निवेश। अगला है, हमारा आरीविका एवं रोबस्टा किसकी दो प्रमुख स्पीसीज हैं, कॉफी की। अगला है, विभिन्न राज्य के मध्य खाद्य उत्पादों के वितरण तथा अन्य देशों को खाद्य उत्पादों के निर्यात व्यापार से कौन संबंध है, नेफेड। अगला है, रक्षा उद्योग क्षेत्र में निजी क्षेत्र को कितने प्रतिशत तक की भागीदारी को मान्यता प्रदान की जाती है, तो 100%। अगला है, क्राइसिल का पूरा नाम क्या है, भारतीय क्रेडिट रेटिंग रेटिंग सूचना एवं सूचना सेवा लिमिटेड। अगला है, भारत में रोलिंग आयोजन की अवधारणा को किस वर्ष अपनाया गया, 1978 में। अगला है, प्रति व्यक्ति आय किस प्रकार प्राप्त की जाती है, तो राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या का भाग देकर। अगला है, भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले अनुमान किसने और कब लगाया था, तो ये दादा भाई नौरोजी ने 1868 में। अगला है, भारत में बचत का अनुमान लगाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, तो यह भारतीय रिजर्व बैंक एवं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। अगला है, उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ उत्पादन की तकनीक की और संस्थागत व्यवस्था में परिवर्तन कहलाता है आर्थिक विकास।
अगला चतुर्थ पंच चतुर्थ योजना में दो मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए गए, स्थिरता के साथ समृद्धि और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। अगला स्टाम्प शुल्क दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों पर उत्पाद शुल्क केंद्र आरोपित करता है, परंतु उसके संग्रहण का अधिकार किसे है? राज्य को। अगला किन करों को केंद्र आरोपित करता है और इससे प्राप्त राजस्व का विभाजन केंद्र व राज्य सरकार के मध्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार होता है? तो आयकर व केंद्रीय उत्पाद शुल्क को। अगला ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? मौसमी बेरोजगारी। द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ पुस्तक के लेखक हैं डब्ल्यू ए लेविस। अगला अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम अपनाया गया था? तो पूर्व सोवियत संघ में। अगला नासडेक क्या है? तो अमेरिका का शेयर बाजार। अगला भारत में कौन सी नोट निर्गमन प्रणाली प्रचलित है? न्यूनतम कोष प्रणाली। अगला पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन है? राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला स्वतंत्र भारत का प्रथम आम बजट प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री कौन थे? तो आर किशन मुगम सेट्टी। अगला रिजर्व बैंक की दिशा निर्देशों के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के पास कम से कम कितनी राशि स्वयं की होनी चाहिए? 25 लाख। अगला विघटित यूटीआई के भागों यूटीआई और यूटीआई सेकंड में कौन सा भाग सेबी के नियमों के तहत म्यूचुअल फंड के रूप में कार्यरत है? यूटीआई सेकंड। अगला बिड़ला औद्योगिक समूह ने किस विदेशी कंपनी के साथ संयुक्त तो उपक्रम स्थापित करने करके भारत में बीमा कारोबार प्रारंभ किया है? सन लाइफ के साथ। अगला एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी ने से बैंकिंग बैंक के रूप में रूपांतरित होने वाला देश का पहला बैंक कौन सा है? कोटक महिंद्रा बैंक। अगला कौन वस्तु और उसके उत्पादों की बिक्री सीमित करने के लिए इसके विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय सरकार ने किया है, जिससे संबंधित अधिनियम किस मसौदे को मंत्रिमंडल की मंजूरी प्रदान कर दी गई? तंबाकू बास के उत्पाद। VRS क्या है? तो अधिक या अवांछनीय कर्मचारियों की छटनी के उद्देश्य आकर्षक प्रतिभूति पैकेज के साथ स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना। अगला स्कॉर्पियन नाम का बहुउपयोगी वाहन किस प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनी ने बनाया है? महिंद्रा ने। अगला केरल के पर्यटन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है? ईश्वर का अपना देश। अगला वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किस संस्था का एक वार्षिक विकासन है? अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक का। अगला उत्तरांचल में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स कारखाना कहाँ स्थित? हरिद्वार में। अगला देश में आवश्यक वस्तुओं का संकट रोधी भंडार किस संस्था द्वारा बनाया गया? तो भारतीय खाद्य निगम। अगला कुटीर ज्योति कार्यक्रम का संबंध है? तो ग्रामीण विद्युतीकरण से। अगला विंग्स ऑफ फ्रीडम योजना किसने लागू की थी? इंडियन एयरलाइंस ने। अगला विश्व में दुग्ध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? भारत का। अगला देश में किस शहर की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो बेहद मुंबई की। अगला C2 लागत प्रयोग किस प्रकार के मूल्य निर्धारण में किया जाता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण में। अगला गेहूं चना सरसों और मक्का में से खरीफ की फसल कौन सी है? मक्का। अगला रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल साख का कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्रों को उपलब्ध कराना होता है? 18%। अगला विश्व में स्वर्ण की सर्वाधिक खपत किस देश में होती है? भारत में। अगला भारत में पहली बार जनगणना कब की गई? सन 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में, और नियमित जनगणना हुई 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में। अगला माही नदी घाटी योजना से किस राज्य को लाभ मिला? गुजरात को। अगला प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? कृषि को। अगला कोयला परियोजना की स्थापना के लिए किस देश से सहयोग मिला? रूस से। अगला किस योजना के दौरान तमिलनाडु में कलपक्रम में परमाणु पावर प्लांट की स्थापना की गई थी? चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। अगला सतलज नदी पर निर्मित किस बांध के पास से राजस्थान नहर निकाली गई? तो यह हरीके बांध। अगला केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई? 1985 में। अगला भारत सरकार द्वारा नई संशोधित वन नीति की घोषणा कब की गई? 1988 में। अगला है दामोदर घाटी निगम द्वारा किन चार बड़े बांधों का निर्माण कराया गया था? तिलैया, कोनार, मैथान, पंचेट। अगला है जनसंख्या वृद्धि का ज्यामितीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो टी आर मालथस ने।
अगला 21 जनसंख्या दशक में भारत की जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि हुई थी, तो 1911 से 21 में। अगला है भारत में अनवरत योजना किस अवधि में अपनाई गई, 1978 से 1983। अगला है बैंक वास प्रभाव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, गुन्नार मेडल ने। अगला है द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। अगला है पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसने लिखी, जेवी किपलानी ने। अगला है भारत के किस राज्य में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की जनसंख्या अधिक है, केरल में। अगला है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की स्थापना कब की गई, 1950 में। अगला है बॉक्सिंग के लिए न्यूयॉर्क स्थित अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम का क्या नाम है, योकी स्टेडियम। अगला है रुइना स्वर्ण कप किस खेल में प्रदान किया जाता है, ब्रिज में। अगला है प्रसिद्ध वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, नौकायन से। अगला है सभी समय को लिए कुरुंग फू सम्राट किसे माना जाता है, ब्रूसली को। अगला है खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय है रोम में। अगला है विश्व में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या किस देश में, अमेरिका में। अगला है राउरकेला में इस्पात कारखानों की स्थापना किसके सहयोग से की गई, जर्मनी के। अगला है विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ को। अगला है मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था, हथकरघे के विकास से। अगला है विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष रॉबर्ट जोलिक किस देश के नागरिक हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के। अगला है केंद्र सरकार द्वारा चुनिंदा सेवाओं पर आरोपित कर की दर वर्तमान में क्या है, 8%। अगला है भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश। अगला है विश्व में सर्वाधिक तेज गति से चलने वाली चलाने का श्रेय किस देश को प्राप्त है, तो जापान को। अगला है कन्या विद्या धन योजना किस राज्य में प्रारंभ की गई, उत्तर प्रदेश में। अगला फोशियन 500 में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी है, भारतीय तेल निगम IOC। अगला है खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में। अगला है विश्व में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या है, अमेरिका में। अगला है राउरकेला इस्पात कारखाने की स्थापना किसके सहयोग से की गई, जर्मनी के। अगला है मॉसीस्टिच संधि का मुख्य उद्देश्य यूरोप का एकीकरण। अगला है द्वीप विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन, प्रधानमंत्री। बैंक नोट फेस कहाँ है, तो याद रखिए देवास MP। अगला है चाय के उत्पादन उपभोग में विश्व में किस देश का प्रथम स्थान है, भारत। अगला है वर्तमान में कितने उद्योगों को अनिवार्य लाइसेंस की परिधि में रखा गया, 6 उद्योगों को। अगला है करेंसी एंड फाइनेंस पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है, तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला है पानी पंचायत योजना किस राज्य से संबंधित है, उड़ीसा से। अगला है विश्व का कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ किए गए ऑयल फॉर फूड समझौते से प्रत्यक्ष संबंध है, ईरान। अगला है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी, 1969 में। अगला है प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक हैं BS मिन्हास। अगला है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन में का मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू। अगला है भारत से सर्वाधिक मूल्य के रत्न एवं आभूषण का निर्यात किस देश को होता है, तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका को। अगला है विभेदी ब्याज दर योजना के अंतर्गत बैंकों द्वारा कमजोर वर्गों को किस वार्षिक ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाता है, 4.0%। अगला है सरकार ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की, 1974 में। अगला है किस बैंक का नाम बदलकर 1 जुलाई 1955 को स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया रखा गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का। अगला है गैर निष्पादन परिसंपत्ति के मामले में वित्तीय संस्थानों में अग्रणी स्थान किसका है, तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का। अगला है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का कब प्रारंभ की गई थी, 1 अप्रैल 1999 को। अगला है मौद्रिक एवं साख नीति का नाम बदल क्या रखा गया, रिजर्व बैंक का वार्षिक नीतिगत दस्तावेज। अगला है भारत ने तमाकू उत्पादों के विज्ञापन प्रसार पर प्रतिबंध किस तारीख से आरोपित किया, तो 1 मई 2004 से। अगला है एक्जिम नीति के तहत घोषित वित्तीय आर्थिक क्षेत्र योजना को कब से कार्यान्वयन किया गया, 1 मई 2004 से। अगला है भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन कौन है, UTI। अगला है बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता कौन थे, तो JB से। अगला है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति किसने की थी, AM खुसरो समिति ने। अगला है डो जोन्स क्या है, तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का शेयर बाजार।
अगला है हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है, राष्ट्रीय आय से। अगला है सीमा शुल्क की अधिकतम दर है 20%। अगला है ट्रैक्टर पर उत्पाद शुल्क की दर है 0। अगला है भारत के रत्न आभूषण के निर्यात में किसका अंश सर्वाधिक है, तराशे हुए हीरे का, हीरों का। अगला है पंचधारा योजना भारत के किस राज्य से संबंधित है, मध्य प्रदेश से। अगला है मूडीज क्या है, तो अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी। अगला है हायर एंड फायर नीति का संबंध किससे है, मुआवजा देकर कर्मचारियों की छटनी से। अगला है हमारा सप्तऋषि समिति का संबंध है स्वदेशी चाय उद्योग को सुदृढ़ बढ़ाने सुझाव से। संघाई सहयोग संगठन में कितने राष्ट्र सदस्य हैं, 6। याद रखिए हाँ, जो संघाई सहयोग संगठन है इसमें 8 सदस्य हो गए हैं। वर्तमान 2019 की बात कर रहा हूँ, तो 2017 में पाकिस्तान और भारत को सदस्यता मिल गई थी। अगला है डो जोन्स किस स्टॉक एक्सचेंज का शेयर सूचकांक है, न्यूयॉर्क का। अगला है विश्व व्यापार संगठन की सदस्यों की संख्या है 100, WHO में याद रखिए 194 देश सदस्य हैं, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, ठीक। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसमें 194 देश हैं, 157 नहीं है, ठीक है। वर्तमान 2019 की बात कर रहा हूँ मैं। अगला है भारत में अनवरत योजना किस अवधि के लिए बनाई गई, 1978 से 83। अगला है भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देश में सीमा शुल्क की अधिकतम दर है 20%। भारत में किस विकार के रासायनिक उर्वरकों की खपत सर्वाधिक है, तो याद रखिए नाइट्रोजनी। अगला है भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, तृतीय क्षेत्र का। अगला है सप्तऋषि का गठन किस लिए किया गया था, स्वदेशी चाय उद्योग को सुदृढ़ बनाने के लिए, आवश्यक सुझाव देने के लिए। चलिए तो हम लोग देख रहे हैं इसमें अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन और उनके आंसर। मुद्रा नीति नियमित होती है, तो याद रखिए रिजर्व बैंक द्वारा। भारत के विदेशी विनिमय कोष का वित्तीय रक्षक कौन है, तो भारतीय रिजर्व बैंक। ऐसी प्रमुख लोकप्रिय कंपनियों के शेयर जो पिछले कई वर्षों से निरंतर समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर हों तथा भविष्य में उनका और विकास होने की संभावना हो कहलाता है ब्लू चिप। उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क व सेवा कर श्रेणी में आते हैं, तो अप्रत्यक्ष कर। अगला है देश में सर्वाधिक शहरी आबादी राजधानी दिल्ली में, यह शहरी आबादी का प्रतिशत कितना है, 93.2%। भारत में ग्रामीण बेरोजगारी के कौन कौन से प्रमुख रूप हैं, तो यह मौसमी, आदर्श, अल्प रोजगार। अगला है 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया गया, तो इसकी स्थापना कब की गई, 1 अप्रैल 1935 को। अगला है भारतीय रुपए के विनिमय दर बनाए रखना, मौद्रिक नीति का निर्धारण करना तथा व्यावसायिक बैंकों के बैंक का दायित्व निभाना किसका प्रमुख कार्य है, तो यह भारतीय रिजर्व बैंक का या आरबीआई का। अगला आयकर, निगम कर, व्यय कर, उपहार कर, संपत्ति कर, ब्याज कर, होटल व पर्यटन कर आदि किसके द्वारा आरोपित प्रत्यक्ष करें, तो यह केंद्र सरकार द्वारा। अगला है योजना आयोग एक परामर्शदात्री व विशेषज्ञ संस्था है, क्या भारतीय संविधान में इसका कोई उल्लेख है, नहीं। अगला है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष एनहेंस्ड स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंतर्गत दिए जाने वाले ऋण पर किस वार्षिक दर से ब्याज लिया जाता है, तो यह 0.5%। अगला है पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंक किस अन्य नाम से अधिक जाना जाता है, तो यह विश्व बैंक। अगला है हिंदू विकास दर की अवधारणा किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने दी, तो राजकृष्ण ने। अगला है अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम किन्हें ऋण प्रदान करता है, तो यह विकासशील राष्ट्रों में निजी उद्योगों को। अगला है हमारी सरकारी एजेंसियां या निजी संस्था द्वारा किसी विशेष आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए दिया गया कोष क्या अलग कहलाता है, अर्थ सहाय। अगला है किस कर को मुद्रा स्फीति बढ़ाने वाला माना गया है और इसका बोझ निर्धन वर्ग पर पड़ता है,
निर्धन वर्ग का तो अप्रत्यक्ष कर। अगला है, सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में भारत का बोस्टन किस नगर को कहा जाता है? अहमदाबाद को। अगला है, शेयर घोटालों से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच हेतु कौन सी समिति गठित की गई थी? तो जानकी रमन समिति। अगला है, 1 रुपए के नोट व सिक्कों को छोड़कर अन्य सभी करेंसी नोटों का निर्गमन रिजर्व बैंक करता है, इन नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? गवर्नर रिजर्व बैंक के, आरबीआई के गवर्नर के। अगला है, सन 1921 में बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे व बैंक ऑफ मद्रास तीनों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। 1 जुलाई 1955 को राष्ट्रीयकरण के उपरांत इसका नाम बदलकर क्या रखा गया? भारतीय स्टेट बैंक। अगला है, मनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य है अवैध रूप से प्राप्त किए गए धन की आवाजाही पर निगरानी रखना। अगला है, देश के 150 जिलों में प्रारंभ किए गए काम के बदले अनाज के अनाज योजना में सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला राज्य उड़ीसा। अगला, राजकोषीय घाटा प्राथमिक घाटा एवं राजस्व घाटा में बड़ा कौन सा है? राजकोषीय घाटा। अगला है, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद और साधन कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद का अंतर क्या कहलाता है? शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। अगला है, भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय नई दिल्ली में है, भारतीय वैज्ञानिक माप संस्थान कहाँ है? रांची में। अगला, योजना आयोग ने अब तक 10 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की, किंतु उनमें अब तक की इतनी वार्षिक योजनाएं लागू की? 7। याद रखिए, योजना आयोग ने 2017 तक चली इसकी 12वीं पंचवर्षीय योजना, और योजना पंचवर्षीय योजना की योजना आयोग की जगह अब नीति आयोग आ गया, योजना आयोग को तिथि स्थापित करके। अगला है, जनवरी 1950 में जय विकास नारायण ने एक योजना बनाई, उस योजना का नाम बताइए? सर्वोदय योजना। अगला है, भारत के विदेशी विनिमय संचार का प्रतिरक्षक कौन है? यह भारतीय रिजर्व बैंक। अगला है, किस औद्योगिक नीति में लघु कुटीर और ग्रामीण उद्योगों के विस्तार पर सर्वाधिक बल दिया गया था? तो यह औद्योगिक नीति 1991। अगला है, मालगुजारी और मनोरंजन करों को कौन आरोपित व उपभोग करता है? तो याद रखिए, राज्य सरकार। अगला है, पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई यह नई योजना किसका लक्ष्य भारत की समृद्धि विरासत के बारे में लोगों को जागरूक बनाना और देश में स्वच्छता अतिथि सत्कार की भावना की बढ़ोतरी के साथ साथ विदेशी मेहमानों के प्रति व्यवहार में बदलाव लाना है? अतिथि देवो भवा। अगला है, उत्पादों की खरीदारी भंडारण संग्रहण स्थानांतरण विक्रय व वितरण के लिए भारत में कौन उत्तरदायी है? भारतीय खाद्य निगम। अगला है, प्रत्येक देश निर्धारित कोड के अनुसार IMF कोष में अंशदान करता है, इसे किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो इसे विशेष आहरण अधिकार SRB। अगला है, उपभोक्ताओं के बेहतर संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1986 में। अगला है, सेल वन नाम से मोबाइल सेवा किस कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है? तो है BSNL। अगला है, विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? टोक्यो। अगला है, प्रतिवर्ष आर्थिक समीक्षा किस मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की जाती है? वित्त मंत्रालय। अगला है, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? महबूब उल हक की। अगला है, भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो योजना आयोग की। अगला है, केंद्र सरकार के कार्यक्रम काम के बदले अनाज का शुभारंभ भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहां से किया? आंध्र प्रदेश के रंगा रेड्डी जिले से। अगला है, गोल्डन हैंड शेक स्कीम किससे संबंधित है? यह स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। अगला है, यदि पूंजी स्टॉक सदैव स्थायी है तो मूल्य ह्रास होगा 0। अगला है, भारत में सूखा आंशिक क्षेत्र कार्यक्रम DPAP किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1973 में।
अगला है, किस देश द्वारा आयातों पर लगाए गए करों को क्या कहते हैं? टैरिफ। अगला है, कृषि एवं सहायक क्रिया क्षेत्रक संविधान की 7वीं अनुसूची को किस सूची में शामिल किया गया? राज्य सूची में। अगला है, बगलीहार योजना भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। अगला है, एपीएमसी अधिनियम का पूरा नाम है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी अधिनियम। अगला है, भारत सरकार द्वारा किस संस्थान को अनुसंधान एवं विकास में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में चुनकर विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय के स्तर पर लाने का निर्णय लिया गया? भारतीय विज्ञान संस्थान बैंगलोर। अगला है, किस सीमा तक के वार्षिक कारोबार को सेवा कर से मुक्त रखने की घोषणा की गई है? 4 लाख रुपए वार्षिक। अगला है, सर्व शिक्षा अभियान का वित्तीय किस प्रकार किया जाता है? तो यह भारत सरकार द्वारा संयोजित प्रारंभिक शिक्षा कोष। अगला है, कृषि विपणन अवस्थापन शरणीकरण एवं मानकीकरण का विकास एवं सुदृढ़ीकरण योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा नाबार्ड तथा राष्ट्रीय विकास निगम द्वारा। अगला है, अशोक लीलैंड नाम के ट्रकों टैंकों का उत्पादन किस औद्योगिक घरानों द्वारा किया जाता है? हिंदुजा। अगला है, भारत के केंद्रीय सरकार के बजट में आगम व्यय की सबसे बड़ी मद है ब्याज। अगला है, भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई थी? मानवीय विकास। अगला है, किस पंचवर्षीय योजना में गरीब जनता को न्यूनतम आवश्यकताओं उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चलाया गया? वह 5वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला है, सर्वाधिक दालों का उत्पादन किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश में। अगला है, भारत में पंचायती राज पद्धति सर्वप्रथम किस राज्य ने कार्यान्वित की थी? राजस्थान ने। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का पद कितने समय के लिए होता है? यह 5 वर्ष के लिए। अगला है, सेल्युलर फोन के पिता कौन है? फ्रेड मॉरिसन। अगला है, न्यूक्लियर स्रोतों में बिजली उत्पादन में किस देश का पहला स्थान है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका का। अगला है, भारतीय रेलवे कितने जोन में विभाजित है? 16 रेलवे जोन में। अगला है, कृषि लागत एवं कीमत आयोग की स्थापना कब की गई? 1965 में। अगला है, विश्व टेक्सटाइल्स व्यापार में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? 4%। अगला है, वी वैट वैल्यू एडेड टैक्स कर को किस कर के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया? बिक्री कर। अगला है, भारत में पहला डाक टिकट कब जारी किया गया था? 1857 में। अगला है, मुद्रा संकुचन का कारण होता है? तो यह वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी। अगला है, वैल्यू एंड कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की हैक्स ने। अगला है, उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अल्फ्रेड मार्शल। अगला है, बड़े धक्के का सिद्धांत किसने विकसित की थी? तो प्रोफेसर पॉल एंड रोजस्टीन रोडान ने। अगला है, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? रोम में। अगला है, सीमेंट के उत्पादन में किस राज्य का देश में पहला स्थान है? राजस्थान। देश में पहला स्थान है राजस्थान का। अगला है, 1991 से 2001 के दौरान देश में किस धर्म में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि की गई? मुस्लिम में। अगला है, द्वीप विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। अगला है, वर्तमान में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? 1982। अगला है, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? केरल में। अगला है, दलाल स्ट्रीट कहाँ पर है? मुंबई में। अगला है, भारत यूनिट ट्रस्ट UTI का मुख्य उद्देश्य क्या है? यूनिटें बेचकर लघु बचत करने वाले निवेशकों को बचत के लिए प्रोत्साहित करना और उसके धन को निगमों के शेयर में लाना। अगला है, रोजगार ऊर्जा सुधार एवं सामाजिक अवसंरचना का विकास किस पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता है? 10वीं पंचवर्षीय योजना की। अगला है, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का गठन मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर कब किया गया था? 19 अप्रैल 2000 को। अगला है, भारत में इक्विटी बाजार पर किस संस्था का नियंत्रण है? तो सेबी का। अगला है, भारत के निजी क्षेत्र का एक बैंक HDFC बैंक का पंजीकृत कार्यालय है मुंबई में। अगला है, रिजर्व बैंक के सहायक संस्था के रूप में राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना की गई जुलाई 1988 में।
अगला है H1B वीसा का संबंध किस देश से? अमेरिका से। अगला है हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? राष्ट्रीय आय से। अगला है कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा कंपनी की किस पूंजी पर की जाती है? तो यह अभिदत्त पूंजी पर। अगला है किस सेवा में सर्वाधिक मात्रा में सेवा कर राजस्व सरकार को प्राप्त होता है? यह टेलीफोन। अगला है राष्ट्रीय चीनी संस्थान किस शहर में स्थित है? कानपुर। अगला है डो जोन्स क्या है? तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का बाजार शेयर सूचकांक। अगला है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना किस वर्ष के दौरान की गई? 1969। अगला है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति किस समिति ने की थी? 1989 में गठित AM खुसरो समिति ने। अगला है मंगला क्या है? तो राजस्थान में एक तेल कुआं। अगला है फिलानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक हैं BS मिन्हाज। अगला है किन्हीं दो पक्षों के बीच लिखित आर्थिक समझौते के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? बंद पत्र का। अगला है यदि घाटे के बजट को करेंसी नोट छाप कर पूरा किया जाए तो इसका परिणाम होगा मुद्रा स्फीति। अगला है प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति कब उत्पन्न होता है? उत्तर है अब आयात की मात्रा निर्यात से अधिक हो जब। अगला है सर्वाधिक धन राष्ट्रीय कोष में किस माध्यम से जमा होता है? उत्पाद शुल्क से। अगला है भारत के योजना आयोग की प्रकृति क्या है? यह एक सलाहकारी संस्था है। अगला है भारत के विदेशी विनिमय कोष में क्या सम्मिलित किया गया जाता है? विदेशी मुद्रा स्वर्ण तथा SDR। अगला है एशिया का वह प्रथम व्यक्ति कौन है जिसने अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? प्रोफेसर अहमद सैन भारत के। अगला है संक्षिप्त रूप नाबार्ड का तत्व क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। अगला है किस राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है? उत्तरांचल। अगला है भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? उपरोक्त मूल सूचकांक। अगला है UTI का औपचारिक विभाजन कब हुआ? 1 फरवरी 2003 को। अगला है मूल्यांकन की किस यूनिट को पेपर गोल्ड कहा जाता है? SDR को। अगला है प्रतिदिन भारतीय रुपए की विनिमय दर कौन तय करता है? तो यह विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति पर आधारित बाजार की शक्तियां। अगला है मुद्रा गुणक क्या होता है? तो कुल धन और आधारभूत धन के बीच का अनुपात। अगला है 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अंत तक साक्षरता दूर करने का लक्ष्य था 75%। अगला है भारत के बाहर अपनी शाखा स्थापित करने वाला देश का पहला प्रबंधकीय संस्थान कौन है? SP जैन सेंटर ऑफ मैनेजमेंट। अगला है किस पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने कृषि के लिए ऐसी नीति अपनाई जिसे हरित क्रांति संभव हुई? तीसरी पंचवर्षीय योजना के। अगला है चुंगी एक कर है। नगर पालिका द्वारा स्थानीय निकायों या स्थानीय निकाय द्वारा शहर में लगाए लाए गए माल पर लगाया जाता है। अगला है किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय क्या होती है? सभी फैक्टर आमदनियों का संपूर्ण योग। अगला है भारत सरकार की कौन सी एजेंसी भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गेहूं चावल और चीनी मुहैया कराने में लगी है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अगला है भारत में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी यदि भारतीय रिजर्व बैंक सरकार को ऋण देती है। अगला है हैरोड डॉमर मॉडल में अति उत्पादन वह स्थिति है जहां सभी उत्पादनकर्ता वांछनीय उत्पादन से अधिक पैदा कर रहे हैं। अगला है शेयर बाजार में परिपथ नियोजन व्यापार को किस प्रभावित करता है? कैसे प्रभावित करता है? सीख लेन देन को सरल बनाकर। अगला है विश्व के कुल कॉफी उत्पादन के 4.0% भाग का उत्पादन भारत में होता है तथा भारत का 6वां स्थान है। भारत में कॉफी के कुल उत्पादन का 56.5 उत्पादन के साथ किस राज्य का प्रथम स्थान है? कर्नाटक। अगला है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर वित्तीय भार कम करने के उद्देश्य से सरकार ने इनके कर्मचारियों के लिए मुक्त मुआवजा देकर ऐच्छिक सेवा निवृत्ति की योजना प्रारंभ की है। इसे कहा गया गोल्डन हैंड शेक स्कीम। अगला है आजकल मुद्रा की परिवर्तनीयता का अर्थ ऐसी व्यवस्था से लगाया जा सकता है
जिसके तहत देश की मुद्रा मुक्त रूप से प्रमुख विदेशों विदेशी मुद्राओं में तथा प्रमुख विदेशी मुद्राएं मुक्त रूप से स्थानीय मुद्रा में परिवर्तनशील होती हैं। कब से भारतीय मुद्रा रुपया को भुगतान संतुलन के चालू खाते के लेन देनों के पूर्ण परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया? तो 19 अगस्त 1994 से। अगला है साख नियंत्रण से अभिप्राय। देश में साख की मात्रा एवं दशा पर नियंत्रण से है। भारत में यह कार्य किसके द्वारा किया जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला है व्यापार, जिसके अंतर्गत किसी विक्रेता से कोई वस्तु तभी खरीदी जाती है जब वह क्रेता से भी कोई वस्तु खरीदने को तत्पर हो, तो इसे क्या कहा जाता है? काउंटर ट्रेड की नीति। अगला, इंदिरा आवास योजना, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति मुक्त बंधुआ मजदूरों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराना, को कब प्रारंभ किया गया? मई 1985 में। अगला, किसी राष्ट्र में विकास हो रहा है या नहीं, इस तथ्य के अन्वेषण का पारंपरिक अस्त्र है क्या है? सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर। अगला है स्वतंत्रता के पश्चात पहले 30 वर्षों में राष्ट्रीय आय की समृद्धि की चक्रवर्ती दर मात्र 3.4% रही। इसे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री राजकृष्ण ने क्या नाम दिया? हिंदू वृद्धि दर। अगला है आरबीआई तथा आरबीआई द्वारा सीआरआर को किस सीमाओं में परिवर्तित किया जा सकता है? 3% से 15% के मध्य। अगला है आयोजना काल के आरंभ 1951 में भारत में साक्षरता दर कितनी थी? 18.3%। अगला है हमारा योजना आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ दलों ने ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबी रेखा के नीचे उन परिवारों को माना है जिन्हें प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी प्रतिदिन के हिसाब से प्राप्त नहीं हो पाती। शहरी क्षेत्रों के लिए निर्धारित किया गया कि 2100 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति। अगला है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष का अनुपात 933 है। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग ने वर्ष 2026 के लिए इसे कितना आकलित किया? 930। अगला है हमारा अर्थव्यवस्था में निवेश के स्तर का संकेतक क्या है? सकल घरेलू पूंजी निर्वात। अगला है हमारा कुल श्रम शक्ति का कितना भाग संगठित क्षेत्र में कार्यरत है? 7%। अगला है खाद्यान्न, चीनी, खाद्य तेल और मिट्टी का तेल जैसे आवश्यक पदार्थों को पीडीएस के माध्यम से आपूर्ति की जाती है। विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक वितरण प्रणाली किस देश की है? भारत। अगला, देश में विदेशी निवेश के वास्तविक प्रवाह को रूप बढ़ाने व परियोजनाओं के वास्तविक रूप में स्थापित होने को सुनिश्चित करने के लिए किस प्राधिकरण की स्थापना की गई? यह विदेशी निवेश कार्यान्वयन प्राधिकरण। चलिए, तो हम लोग देख रहे हैं अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके आंसर। वन लाइनर में देख रहे हैं हम लोग ये इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन। 2001 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 16.66 करोड़ तथा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 8.43 करोड़। अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। अगला है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा विदेशी व्यापार को बढ़ाने तथा विदेशी मुद्रा बाजार के समुचित विकास के उद्देश्य से 1 जून 2000 से लागू किया गया। इसने इससे संबंधित किस अधिनियम का स्थान लिया है? फेरा का। अगला है किसी वस्तु के मूल्य में सापेक्षिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप किसी अन्य वस्तु की मांग में परिवर्तन की दर मांग की आड़ी लोच कहलाती है। पूर्ति की लोच क्या है? किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उस वस्तु की पूर्ति में सापेक्षिक परिवर्तन की दर। अगला है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा 16वीं मानव विकास रिपोर्ट इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एट ए क्रॉस रोड्स एट स्ट्रेड सिक्योरिटी एन इक्वल वर्ल्ड शीर्षक से जारी की गई है। इस रिपोर्ट में 170 देशों के मानव विकास सूचकांक के आधार पर
भारत की रैंकिंग 127वीं बताई गई। इसका आकलन किन सूचकांक के आधार पर किया गया? तो जीवन प्रत्याशा, साक्षरता, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, अगला है योजना आयोग तथा राष्ट्रीय विकास परिषद जहां संविधानेतर संस्थाएं हैं, वही अंतरराज्यीय परिषद संविधानिक संस्था है। इसका गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला है नाम शब्द प्रतीक या आदर्श वाक्य या इनका संयोजन ट्रेडमार्क के अंतर्गत आता है। फार्मूले, पैटर्न, डिवाइस या सूचना का विशिष्ट तरीके से संग्रहण के रूप में किससे परिभाषित किया गया? तो यह ट्रेड सीक्रेट। अगला है किस अर्थव्यवस्था में जब वस्तुओं के मूल में वृद्धि होती है तथा मूल्यों के मुद्रा के मूल्य में ह्रास होता है तो इसे मुद्रा स्फीति की स्थिति कहा जाता है। आय वृद्धि से सृजित मुद्रा स्फीति क्या कहलाती है? मांग प्रेरित मुद्रा स्फीति। अगला है केंद्र व राज्यों के मध्य करों के विभाजन की सिफारिश कौन करता है? अगला है हमारा प्राथमिक घाटा जानने के लिए राजकोषीय घाटे में से किसे घटाना होता है? तो ये सकल ब्याज भुगतान। अगला है CRR की न्यूनतम तथा अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है? तो ये 3% तथा 15%। अगला है संसद द्वारा पारित सूचना का अधिकार कानून देश भर में किस तिथि से लागू हुआ है? तो 12 अक्टूबर 2005 से। अगला है किस उत्पाद पर शुद्धता के सिलसिले में हॉलमार्क चिन्ह अंकित किया जाना है? स्वर्ण आभूषण। अगला है मुद्रा एवं वित्त का परवार्षिक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? RBI। अगला है डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम ने किस वर्ष तक भारत के एक विकसित राष्ट्र बन जाने की आशा व्यक्त की थी? तो 2020। अगला है एंट्री गेल कोच फैक्ट्री कहाँ है? कपूरथला में। अगला है हमारा मॉस्टिच संधि का मुख्य उद्देश्य है यूरोप का एकीकरण। अगला है कपार्ट का संबंध है ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता एवं मूल्यांकन से। अगला है मिश्रित अर्थव्यवस्था है तो निजी व सार्वजनिक उद्योगों का सह अस्तित्व। अगला है हवाला क्या है? तो यह विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार। अगला है खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? रोम में। अगला है हमारा राहुल किला में इस्पात कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? यह जर्मनी। अगला है राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है? योजना आयोग का सचिव। अगला है हमारे वर्तमान थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? 1993-94। अगला है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड कब स्थापित हुआ? 12 अप्रैल 1988। अगला है एशियाई विकास बैंक ने भारत के किस नगर में अपना आवासीय कार्यालय खोला? नई दिल्ली। अगला है भारत में सबसे अधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक की हैं? ANZ प्रेंडीलीज बैंक। अगला है भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अगला है वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? सेवाओं के क्षेत्रों का। अगला है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर होता है GNP के सावट। अगला है मूल्य एवं पूंजी नामक पुस्तक के लेखक है JR Hicks। अगला है भारत में बेरोजगारी की समस्या मूलतः किस प्रकार की है? संरचनात्मक। अगला है भारतीय कपड़े का सबसे बड़ा आयातक देश कौन है? UK। अगला है आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचक माना जाता है बढ़ता जीवन स्तर। अगला है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए वर्तमान आधार वर्ष है 1993-94। अगला है भारत की कौन सी योजना प्रोफेसर PC Mahal नोविस मॉडल पर आधारित थी? द्वितीय योजना। अगला है भारत में बेरोजगारी के आंकड़े किस संगठन द्वारा एकत्रित किए जाते हैं? तो ये नेशनल सैंपल सर्वे संगठन द्वारा। अगला है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किसके द्वारा प्रायोजित है? जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन द्वारा। अगला है अवमूल्यन आयात को क्या बनाता है? महंगा। अगला है गेसम का नियम है बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को विचलन से बाहर कर देती है। अगला है मजदूरी का लोहे सिद्धांत कहलाता है मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत।
अगला है मुद्रा स्फीति बढ़ने से लाभ होता है रेडी को। अगला है द वेल्थ ऑफ नेशन नामक नामक अर्थशास्त्री कृति के लेखक कौन है? एडम सिसू। अगला है ऋण नीति किस व्यवस्था का अंग है? मौद्रिक व्यवस्था का। अगला है भारत में कौन सी संस्था राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला है वेट लगाया जाता है तो उत्पादन तथा अंतिम बिक्री के बीच के विभिन्न स्तरों पर। अगला है मुक्त व्यापार क्षेत्र किसे कहते हैं? जहां बिना नियंत्रण के व्यापार होता है। अगला है देश के महान सांख्यिकी वेत्ता डॉक्टर प्रशांत चंद्र महाल नोविस का जन्म दिवस 29 जून को अब किस रूप में मनाया जाएगा? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। अगला है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के नैसडेक 100 सूचकांक में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी है इंफोसिस। अगला है भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है 2007 से 12। अगला है भारत में सबसे पहले पहली बार बजट कब पेश किया गया? 25 अगस्त 2005 को आउटकम बजट। अगला है भारत के योजना आयोग की प्रकृति क्या है? तो यह एक सलाहकारी संस्था है। अगला है सर्वाधिक धन राष्ट्रीय कोष में किस माध्यम से जमा होता है? उत्पाद शुल्क। अगला है हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि से संबंधित है? राष्ट्रीय है। अगला है औद्योगिक क्षेत्र में कोर सेक्टर का तात्पर्य चयनित आधारभूत उद्योग से। अगला है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। अगला है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब की गई थी? 1951 में। अगला है हमारा 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कार सहभागिता दर है 39.1%। अगला है वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? सेवा क्षेत्र का। अगला है मूल्य एवं पूंजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जेआर हिक्स। अगला है भारतीय कपड़े का सबसे बड़ा आयातक देश कौन है? यूके। अगला है 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर विजय केलकर। अगला है पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति किसके द्वारा प्रदान की जाती है? राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी द्वारा। अगला है बैंक दर वह है जिस पर केंद्रीय बैंक सदस्य बैंकों के प्रथम श्रेणी के बैलों की पुनः कटौती करता है अथवा स्वीकार प्रतिभूतियों पर ऋण देता है। अगला है आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचक माना जाता है बढ़ता जीवन स्तर। अगला है कैपिटल एंड ग्रोथ नामक अर्थशास्त्र की पुस्तक के लेखक है हिक्स। अगला है शून्य आधारित बजट है कास है व्यय की प्रत्येक मत पर स्वीकार करना की वह नई हो। अगला है मुद्रा स्फीति बढ़ने से किसको लाभ होता है? रेडी को। अगला है भारत में बैंक दर किसके द्वारा निश्चित की जाती है? रिजर्व बैंक द्वारा। अगला है द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक हैं एडम स्मिथ। अगला है ऋण नीति किस व्यवस्था का अंग है? तो यह बैंकिंग व्यवस्था का। अगला है मजदूरी का लोहे सिद्धांत कहलाता है मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत। अगला है भारत के लिए विजन 2020 नीतिगत लेख के रूप में तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर एस पी गुप्ता। अगला है भारत में पहली कृषि जनगणना किस वर्ष हुई थी? 1970-71 में। भारत सह शताब्दी जमाए अक्टूबर नवंबर 2006 में किसके द्वारा जारी की गई? भारतीय स्टेट बैंक द्वारा। अगला है वित्त में 1 अरब से अधिक जनसंख्या वाले राष्ट्रों में भारत कौन सा स्थान पर है? दूसरे। अगला है इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक का मुख्यालय कहाँ है? बैंकॉक। अगला है माहेला की साक्षरता दर सबसे ऊंची किस राज्य में? केरल में। अगला है 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 2007 से 2012 थी। अगला है आर्थिक गतिशीलता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? डब्ल्यू डब्ल्यू रो स्टॉव ने। अगला है भारत में ग्रामीण बेरोजगारी के कौन कौन से प्रमुख रूप हैं? मौसमी आदर्श अल्प रोजगार। अगला है आयकर निगम कर व्यय कर उपहार कर संपत्ति कर ब्याज कर आदि किसके द्वारा आरोपित प्रत्यक्ष कर हैं? केंद्र सरकार द्वारा। अगला है गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति ये दो प्रमुख उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित थे? 5वीं पंचवर्षीय योजना। अगला है मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की
अवधारणा किसके विचारों की उपज है? तो जे एम किंद। अगला है, भारत के किस राज्य में निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बालों की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश। अगला है, निजी क्षेत्र की विमानन कंपनी एयर टायरा का अधिग्रहण किस कंपनी ने अप्रैल 2007 में किया? जेट एयरवेज ने। अगला है, शून्य आधार बजट की अवधारणा के प्रतिपादक है पीए पायर। अगला है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस घटना के परिणाम स्वरूप हुई? वेटन बोर्ड्स कॉन्फ्रेंस के परिणाम स्वरूप। अगला है, फार्म आय बीमा योजना किसके द्वारा प्रायोजित है? जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन द्वारा। अगला है, भारत की कौन सी योजना सोवियत मॉडल पर आधारित थी? द्वितीय योजना। अगला है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े किस संगठन द्वारा एकत्रित एवं विकसित किए जाते हैं? ये नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगला है, विश्व में वह कौन प्रथम राष्ट्र है जिससे आधिकारिक रूप से परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाया? चीन। अगला है, निगम कर लगाया जाता है कंपनियों की आय पर। अगला है, राष्ट्रीय आय के आकलन में मूल्य ह्रास की गणना किस पर की जाती है? केवल पूंजीगत वस्तुओं पर। अगला है, भारत की पहली जनगणना कब हुई? 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में। और नियमित भारत की जनगणना हुई 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में। अगला, योजना आयोग का उपाध्यक्ष होता है कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त व्यक्ति। अगला, किस विधेयक के द्वारा सरकार वर्ष भर राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था करती है? वित्त विधेयक द्वारा। अगला, वास्तविक राष्ट्रीय आय क्या दर्शाती है? स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय। अगला, इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना किस वर्ष हुई? 1996 में। अगला, मल्होत्रा समिति का गठन किस प्रायोजन से किया गया था? तो बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए सिफारिशों की सिफारिश देने के लिए। अगला है, महान विभाजन का वर्ष शब्द जनसंख्या के संदर्भ देने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो 1921 के बाद तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या के लिए। अगला है, डवा कारा से क्या अभिप्राय है? ग्रामीण क्षेत्र में महिला और बाल विकास कार्यक्रम से। अगला है, घाटे की वित्तीय व्यवस्था करते हैं आगम से अधिक खर्च, आय से ज्यादा खर्च। संपत्ति की अवधारणा में मानवीय संपत्ति को किसने सम्मिलित किया? तो फ्रीडमैन ने। अगला है, फीवल प्रयास सिद्धांत संबंधित है आर रोडान से। अगला है, भारत की कौन सी योजना सोवियत मॉडल पर आधारित है? द्वितीय योजना। अगला है, कृषि विपणन के विषय में कौन अद्यतन जानकारी विकसित करता है? तो ये अर्थशास्त्र व सांख्यिकी विभाग। अगला है, भारतीय रेल किस प्रकार का उद्यम है? विभागीय उद्यम। अगला, बैंक दर वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक औद्योगिक बैंकों को उधार देती है। अगला है, भारत के लिए किस औद्योगिक नीति में मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा लाई गई? 1948 की नीति में। अगला है, मूल्य वर्धित कर लागू होता है उत्पाद शुल्क पर। अगला है, भारत में किस वर्ग में मुद्रा के लिए दार्शनिक प्रणाली अपनाई गई? 1957 में। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य कार्य क्या है? सदस्य देशों के बाकी भुगतान की समस्याओं को हल करने में सहायता करना। अगला है, वह कर जिसका कर आधार बदल जाने पर भी कर की दर समान रहती है कहलाता है अनुपातिक कर। अगला है, हमारा वेल्थ ऑफ नेशन नामक अर्थशास्त्री पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ। अगला है, केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्सों का निर्णय कौन करता है? वित्त आयोग। अगला है, बैड मनी ड्राइव आउट गुड मनी अर्थशास्त्र में यह नियम किसका है? गैसम का। अगला, इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड का उद्देश्य क्या है? आईटी क्षेत्र में पूंजी की व्यवस्था करना। अगला है, अवमूल्यन का अर्थ होता है तो इसका होता है विदेशी मुद्रा के सापेक्ष रुपए के मूल्य में कमी। अगला है, म्यूचुअल फंड तथा स्टॉक मार्केट को प्रतिबंध करने का मूल अधिकार है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड का। अगला, योजना आयोग के अनुसार किस व्यक्ति को शहरी क्षेत्र में निर्धनता की रेखा से नीचे मानने के लिए कितनी औसत कैलोरी प्रतिदिन? 2100। अगला है, निर्धनता की स्थिति के लिए डाटा कौन संगठन एकत्रित करता है? NSSO। अगला है, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? राजकोषीय घाटा। अगला है, संसद में बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा किस मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की जाती है? वित्त मंत्रालय। अगला है, व्यापारिक बैंकों के लिए SLR वैधानिक तरलता अनुपात क्या होता है? कुल जमाओं का वह प्रतिशत जो नियमानुसार बैंक अपने पास तरल रूप में रहते हैं। अगला है, मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य करे। मुद्रा की यह परिभाषा किस अर्थशास्त्री ने दी? तो है हार्टले विदर्स ने।
अगला है, भारतीय रुपए की विनिमय दर का संबंध है चुनी हुई मुद्राओं के समूह से। अगला है, यह किसका विचार है कि मुद्रा जो समाज के लिए अनेक लाभों का स्रोत है, नियंत्रण के अभाव में हमारे लिए संकट व अशांति का कारण बन सकती है। रॉबर्टसन। अगला है, केंद्रीय सरकार के राजस्व व्यय का सबसे महत्वपूर्ण घटक है ब्याज भुगतान। अगला है, नरेगा वर्तमान में योजना भारत सरकार द्वारा कब शुरू की गई, 1 अप्रैल 2008 को। अगला है, भारत सरकार द्वारा वर्षा बीमा योजना कब शुरू की गई, वर्ष 2004 में। अगला है, योजना आयोग के सदस्यों की संख्या सरकार की इच्छा अनुसार परिवर्तित होती रहती है। अगला है, किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी, राज्य समिति ने। अगला है, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है, संवर्ती सूची का। अगला है, भारत में बीमा कंपनियों के लिए मुख्य विनियामक प्राधिकरण कौन है, हेडा हेडा। अगला है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012। अगला है, बैंकिंग में एटीएम का अर्थ है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अगला है, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है, योजना आयोग का सचिव। अगला है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई, इंग्लैंड में। अगला है, राष्ट्रीय आवास बैंक किसका नियंत्रण उपक्रम है, भारतीय रिजर्व बैंक का। अगला है, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम इटली में। अगला है, राउल किला में इस्पात कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई, जर्मनी के सहयोग से। अगला है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की लगभग कितने प्रतिशत है, 16.7%। अगला है, बैंक नोट प्रेस कहाँ है, देवास एमपी में। अगला है, ब्रेक इवन स्थिति का क्या अर्थ है, वह स्थिति जब फर्म को ना लाभ हो रहा हो ना ही हानि हो रही। अगला है, बैंकिंग में साख पात का क्या अभिप्राय है, तो कृषि बैंक द्वारा बिना शर्त दिया गया ऐसी अधिवचन कि वह दी गई तारीख को अदा तो निर्दिष्ट धनराशि के भुगतान को सुनिश्चित करता है। अगला है, 1991 से 2001 के दशक में किस धर्म में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई, मुस्लिम में। अगला है, 2001 के लिए धर्म आधारित आंकड़ों में किस धर्म में अधिकतम लिंगानुपात दर्ज किया गया, सिख धर्म में। प्रति 1000 पुरुष पर 109 महिलाएं। अगला है, विदेशी निवेश संबंधी विश्व निवेश रिपोर्ट किस संस्थान संगठन द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाती है, UNCTAD द्वारा। अगला है, कपास उत्पादन में विश्व का अग्रणी देश है, मिस्र इजिप्ट। अगला है, भारत में पहली गरीबी रथ एक्सप्रेस रेलगाड़ी किन दो स्टेशनों के बीच चलाई गई, सहरसा और अमृतसर के बीच। चलिए, तो हम लोग देख रहे हैं इकोनॉमी से संबंधित क्वेश्चन और उनके आंसर, या भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगला, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा हरियाणा के किस जिले में एक रिफाइनरी की स्थापना की गई है, तो यह पानीपत जिले में। अगला, किस देश के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ ने ऑयल और फूड वार्ता की है, तो यह इराक के साथ। अगला है, भारत की जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है, तो 1921। अगला है, राजकोषीय घाटे का अर्थ है सरकारी व्यय कर और गैर कर राजस्व प्राप्तियां। अगला है, भारत की पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई है, तो सिरपुर महाराष्ट्र में। अगला है, केंद्रीय मूल्य वर्धित आरोपित किया जाता है तो उत्पादन और अंतिम बिक्री के मध्य प्रत्येक चरण। अगला है, कपार्ट का संबंध है ग्रामीण कल्याण के कार्यक्रमों की सहायता और एवं मूल्यांकन से। अगला है, अल्पकालीन विदेशी ऋण किस अवधि तक के ऋण को कहा जाता है, 1 वर्ष तक की अवधि के ऋण को। अगला है, एशियाई विकास बैंक ने भारत के किस नगर में अपना आवासीय कार्यालय खोला है, तो यह नई दिल्ली। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किन देशों को ऋण प्रदान करता है, केवल सदस्य देशों को। अगला है, किस फॉर्म में ब्रेक इवन बिंदु से क्या तात्पर्य है, तो वह है स्थिति जब फर्म को ना लाभ हो रहा हो ना ही हानि हो रही हो।
अगला 21 पंचवर्षीय योजना में आर्थिक समृद्धि दर अपने लक्ष्य से अधिक रही है, तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला है अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख पहरी है, तो विश्व व्यापार संगठन WTO। अगला है रेखांकित चेक को भुनाया जा सकता है केवल किसी बैंक के माध्यम से। अगला है क्लोज्ड इकोनॉमी से तात्पर्य किस अर्थव्यवस्था से संबंधित है जिसमें आयात एवं निर्यात नहीं होते, आयात तथा निर्यात नहीं होते। सुपर थर्टीओ 301 सॉरी 301 क्या है? तो यह अमेरिकी व्यापार कानून की एक धारा है जो से अपने आयात पर उच्च सीमा शुल्क लगाने की शक्ति देता है। अगला है वर्तमान में कितनी राशि प्रत्येक नोबेल पुरस्कार के तहत प्रदान की जाती है? 10 करोड़ क्रोनर। अगला है जनसंख्या घनत्व से क्या तात्पर्य है? प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुद्रा SDR होती है तो बुक कीपिंग एंटी एंट्री। अगला है भारत में विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक अंशदान किसका है? ताप विद्युत का। अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र बचत बाहुल्य है? घरेलू क्षेत्र। अगला है भारत किस देश के साथ अपने साथ सबसे अधिक विदेशी व्यापार करता है? संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। अगला है मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किए जाने वाला भारत का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कौन सा है? संता क्रूज। अगला है निगम कर किसके द्वारा लगाया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा। अगला है किसकी संस्तुति पर BSBI स्थापना की गई थी? तो यह गोरवाला समिति की संस्तुति पर। अगला है जब कोई सरकार अपनी आय से अधिक व्यय करती है तो ऐसे अधिक को क्या कहते हैं? बजट घाटा। अगला है 12वें वित्त आयोग की सिफारिश ने किस समयावधि के लिए है? तो 2005 से 2010 की समयावधि के लिए थी। अगला है वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? तो पहले 1.5 लाख मिलता था लेकिन 2019 की करंट की बात करें तो 5 लाख मिलता है, ठीक है। अगला है क्लोज्ड इकोनॉमी किसे कहते हैं जिसमें आयात व निर्यात नहीं होते हैं? अगला है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। अगला है देश में हिंदी भाषी क्षेत्र में से पहला पूर्ण रूप से साक्षर जिला किसे घोषित किया गया? नरसिंहपुर मध्य प्रदेश। अगला है किसी देश के जीवन स्तर की माप किससे की जाती है? तो यह प्रति व्यक्ति वास्तविक राष्ट्रीय आय से। अगला है अगस्त 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो PC महाल नोबिस। अगला है ग्रामीण समृद्धि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ग्रामीण महिलाएं अपना बचत खाता खोल सकती हैं ग्रामीण डाकघरों में। अगला है मनी लॉन्ड्रिंग बिल क्या का क्या उद्देश्य है? तो यह अवैध रूप से प्राप्त किए धन की आवाजाही पर निगरानी रखना। अगला है इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना किस वर्ष हुई? 1996। अगला है भारत में हरित क्रांति किन दो खाद्यान्नों में सर्वाधिक सफल रही? गेहूं और चावल में। अगला है भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अगला है 2001 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत अधिकतम है? तो लक्षद्वीप में। अगला है 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है 2007 से 2012, याद रखिए 2012 से 2017 थी 12वीं पंचवर्षीय योजना, और 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद योजना आयोग को खत्म कर दिया, इसके स्थान पर अब नीति आयोग आ गया। अगला है भारत में हरित क्रांति किन दो फसलों में सर्वाधिक रही सफल रही? तो गेहूं और चावल, इसे देख चुके हैं हम लोग पहले। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो यह 6वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला है भारत की किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना व्यक्तिगत खाता नहीं खोल सकता है? तो यह भारतीय रिजर्व बैंक। अगला है विश्व बैंक का मुख्यालय WD में। अगला है अर्थतंत्र में ज्ञान तकनीकी की कुशलता शिक्षा आदि को क्या माना जाता है? मानव पूंजी। अगला है भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? बजटीय घाटा। अगला है वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय के तो उद्यम है तो भारतीय रेलवे। अगला है भारतीय बजट को किन किन भागों में विभाजित किया जाता है? राजस्व घाटा, राजस्व बजट और पूंजी बजट।
भागों में। अगला है मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया जाने वाला भारत का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कौन सा है? संता क्विड। अगला है मुद्रास्फीति से किसे लाभ होता है? रेडी को। अगला है भारत में संघ सरकार के व्यय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मद है ब्याज भुगतान। अगला है भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व किसके संरक्षण में रखे जाते हैं? आरबीआई के, भारतीय रिजर्व बैंक के संरक्षण में। अगला है यूरोपियन यूनियन की सर्वश्रेष्ठ करेंसी क्या है? यूरो। अगला है समाचार पत्रों में अक्सर जान आने वाला पद आईपीओ का अर्थ है इनिशियल पब्लिक ऑफर। अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ पद किसने बनाया? राजकृष्ण ने। अगला है ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में कितनी विकास दर का लक्ष्य रखा गया था? 9%। अगला है भारत में सर्विस सेक्टर की कुल जीडीपी में का लगभग 53%? 54%। अगला है प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना किस विषय से संबंधित है? राजमार्गों के विकास। अगला है आम आदमी बीमा योजना किनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है? तो यह गरीबी रेखा के नीचे नीचे जीवन यापन करने वाले सभी भूमिहीन ग्रामीण श्रमिकों को। अगला है संगम योजना का उद्देश्य है? तो यह विकलांगों का कल्याण सुनिश्चित करना। अगला है किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों को। अगला है आईपीओ का पूरा नाम है इनिशियल पब्लिक ऑफर। अगला है कौन सा सूचकांक किसी देश के लोगों की आयु संभाव्यता साक्षरता स्तर शिक्षा और जीवन स्तर मापने के लिए तैयार किया गया है? तो मानव विकास सूचकांक। अगला है पूंजी बाजार का विनियामक है सेबी। अगला है पद ब्रिक्स में आर किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? रूस के लिए। अगला है एफडीआई का अर्थ है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगला है किस विदेशी बैंक की भारत में सर्वाधिक शाखाएं? वेटेन की, स्टैंडर्ड चार्टर्ड की बैंक की। अगला है NASDAQ में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन है? इंफोसिस। अगला है भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का विनियामक कौन है? सेबी। अगला है बैंक ऑफ बड़ौदा की बैंडिंग पंक्ति क्या है? इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। अगला है बैंक ऑफ बड़ौदा का लोगो है बड़ौदा सन। अगला है भारत में आजकल बहुत से बैंक अपने ग्राहकों को एम बैंकिंग सुविधा दे रहे हैं। बैंकिंग में एम का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? मोबाइल फोन के लिए। अगला है द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। अगला है राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रधान सचिव कौन होता है? योजना आयोग का सचिव। अगला है विश्व बैंक के अध्यक्ष रॉबर्ट जोलिक किस देश के नागरिक हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के। अगला है फ्रांस के नागरिक पास्कल लामी किस संगठन के महानिदेशक हैं? थे तो WTO के थे, ठीक है। आपको यहाँ बता दें विश्व बैंक के अभी करंट में अध्यक्ष हैं डेविड आर मालपास, ठीक है। और इसकी स्थापना की बात करें तो जुलाई 1945 में हुई है और इसका हेड क्वार्टर है वाशिंगटन DC में, ठीक है। 189 कंट्री इसमें शामिल है। अब बात करते हैं WTO की, तो इसके हैं रोबर्टो अजेवेडो, ठीक है, WTO के। अगला है हमारा भारत में सबसे अधिक शाखाएं किस बैंक की हैं? तो वेटेन के, स्टैंडर्ड चार्टर बैंक, ठीक। वह स्थिति क्या कहलाती है जिसमें कुल आगम कुल लागत के बराबर होता है? ब्रेक इवन बिंदु। अगला है व्यय कर को आयकर के विकल्प के रूप में किसने सुझाया था? कार्ल डोर ने। अगला है अमृत सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया? कल्याणकारी अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अगला है जिस दर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंक के प्रथम श्रेणी के बिलों को की पुनः कटौती करता है उसे क्या कहा जाता है? बैंक दर। अगला है विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक पास्कल लामी किस देश के थे? तो फ्रांस के थे। अगला है हाल किसके बेहद उत्पादन से संबंधित है? एयरक्राफ्ट के उत्पादन से। अगला है विश्व आर्थिक मंच का जनक किसे कहा जाता है? क्लॉस स्वाब को। अगला है भारत की श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर कुरियन वर्गीस को। अगला है भारत में बीमा कंपनियों के लिए मुख्य विनियामक प्राधिकरण कौन सा है? हिरदा।
अगला है 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? बिहार की। अगला है इको मार्क, किस उत्पाद पर यह प्रमाणन के लिए दिया जाता है कि यह पर्यावरण पदार्थ पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है? अगला है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से बनाया गया था? ब्रिटेन के सहयोग से। अगला इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद से संबद्ध बहुराष्ट्रीय कंपनी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स किस देश की कंपनी है? दक्षिण कोरिया की। अगला हीरों का व्यापार करने वाला अग्रणी कंपनी बीयर्स किस देश का है? दक्षिण अफ्रीका का। अगला आशा योजना संबंधित है सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से। अगला कौन देश विश्व व्यापार संगठन का 152वां देश था? वनुआतू। अगला है भारत में वित्तीय घाटे का प्रमुख कारण है? सामाजिक क्षेत्र की योजना है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संदर्भ में कोटा किसे कहते हैं? तो यह विभिन्न देशों द्वारा IMF को दिए गए अंशदान को। अगला है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सुरेश डी तेंदुलकर थे। मैं आपको बता दें अभी 2019 की बात करें तो प्रोफेसर विमल कुमार रॉय हैं इसके चेयरमैन। ठीक है, और आपको बता दें इसकी स्थापना हुई जुलाई 2006 में, 12 जुलाई को। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगला है नासदाक ने किस शहर में एशिया में अपना व्यापार प्रारंभ किया है? मैसूर में। अगला है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय वेसल किस देश में है? तो यह स्विट्जरलैंड में। अगला है फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार एशिया के किस देश में अरबपतियों की संख्या सर्वाधिक है? भारत में। अगला है हमारा अगला राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत राज्यों द्वारा व्यय की गई निधि का कुल कितने प्रतिशत केंद्र द्वारा प्रदान किया जाता है? तो 90%। अगला है गिल्ट बाजार का क्या अर्थ है? सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। अगला है आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है? आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के से 1 दिन पूर्व। अगला है विश्व व्यापार विकास रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? वर्ल्ड बैंक का। अगला है टाइम्स ऑफ इंडिया सर्वेक्षण द्वारा वर्ष 2008 के लिए किस उद्योगपति को बिजनेस पर्सन घोषित किया गया था? रतन टाटा को। अगला है भारत सरकार का सबसे बड़ा उद्यम कौन सा है? रेलवे। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय मुंबई में। अगला है भारत में लोकप्रिय कार ब्रांड स्कॉर्पियो कारों का निर्माण कौन सी कंपनी करती है? महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। अगला है एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में, फिलीपींस। अगला है सैन बेट का संबंध है मूल वर्धित कर से। अगला है नरेगा क्या सब? तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, अब इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। अगला है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए विश्व बैंक ने भारत के को किस रूप में निधि देने का निर्णय किया है? सॉफ्ट लोन के रूप में। अगला है WEF का पूर्ण विस्तार है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अगला है 13वें वित्त आयोग ने केंद्र के विभाजनीय कर राजस्व में से कितने प्रतिशत हिस्सा राज्यों को उपलब्ध कराने की संस्तुति की है? 32%। अगला है हीरों का व्यापार करने वाले अग्रणी कंपनी DVS किस देश की है? तो दक्षिण अफ्रीका की। अगला है क्रिसिल केयर क्या है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। अगला है आम आदमी बीमा योजना किन्हीं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है? तो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले समस्त भूमिहीन सैनिकों को। अगला है विश्वसनीय प्रतिभूतियों से क्या तात्पर्य है? ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ हो। अगला है बैंकिंग क्षेत्र में प्रयुक्त शब्द BRA का पूरा नाम है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। अगला है भारत में महिलाओं को पूर्ण रोजगार देने तथा स्वावलंबी बनाने के लिए बनाई गई संस्था है सेवा। अगला वैल्यू एंड कैपिटल किसकी रचना है? हेक्स की। अगला है हमारा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ किया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला है 1950 में बनाया गया योजना आयोग है सलाहकारी निकाय। अगला है विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक कौन है? तो पास्कल लामी ये हैं, लेकिन 2019 की बात 2019 में है रॉबर्टो अजेवेदो। ठीक है, अगला है कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? राजा चेलिया को। अगला है ग्रामीण विकास के लिए ऋण देने वाला नाबार्ड क्या है? बैंक। अगला है मार्केट लॉ का प्रतिपादन किसने किया? JBC ने। अगला है राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? तो
तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में से परोक्ष करों एवं अनुदानों से प्राप्त राशि को घटाने से बची आएगो। अगला है वैल्यू एंड कैपिटल किसकी रचना है? जोहार रिचर्ड हिक्स की। अगला है हमारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला है 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर बी आर वी राव। अगला है सन 1934 में लिखी गई पुस्तक प्लानिंग फॉर इंडिया किसकी कृति थी? तो सर विश्व सरिया की। अगला है हमारा राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? डॉक्टर प्रशांत चंद महाल नोविस। कलकत्ता स्थित भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक थे। अगला है सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में समिति किस प्रयोजन से बनाई गई थी? निर्धनता रेखा से नीचे जनसंख्या के आकलन हेतु मानकों के पुनर्निर्धारण। अगला है भारत में किस बैंक विदेशी बैंक की सबसे अधिक शाखा है? ए एंड जेड ग्रैंड लेज बैंक की। अगला है हमारा राष्ट्रीय आवास बैंक किसका नियंत्रित उपक्रम है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का। अगला है खुले बाजार की क्रियाएं किस नीति का अंग है? साख नीति का। अगला है डॉक्टर विजय केलकर कौन से वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? 13वें वित्त आयोग के। अगला है 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? वर्ष 2007 से 2012 तक। अगला है अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम किस देश में अपनाया गया? सोवियत संघ में। अगला है भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का मुख्य स्रोत कौन है? मॉरिशस। अगला है वर्तमान में स्टेट ऑफ इंडिया का स्वामित्व किसके हाथ में? भारत सरकार के हाथ में। अगला है अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटारा केंद्र का संबंध किस अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन से? विश्व बैंक के। अगला हमारा किस अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्था द्वारा प्रतिवर्ष विश्व निवेश रिपोर्ट का विकासन किया जाता है? अंकटाड। यूनाइटेड नेशन सेंट फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट द्वारा। अगला है भारत के भूमि विकास बैंक किस बैंक की संरचना के अंग है? तो सहकारी बैंक संरचना। भारत के सीनियर सिटीजन के लिए आयकर छूट सीमा कितनी है? 2,40,000 रुपए। अगला है भारत में सूक्ष्म उद्योगिक इकाई किस आधार पर तय की जाती है जिसमें निवेश की राशि 10,00,000 रुपए तक हो? अगला है स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना पर होने वाले व्यय को केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा किस आधार पर पूरा किया जाता है? 25:75 के आधार पर। अगला है भारत में वर्तमान सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसूचित बैंकों की संख्या 28। अगला है भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2007 से 2012। अगला है किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है? मुंबई को। अगला है किस देश की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां विश्व में सर्वाधिक हैं? यूएसए की। अगला है न्यू सेकेल किस देश की मुद्रा है? इजराइल की। अगला है सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के व्यय में केंद्र राज्य भागीदारी किस अनुपात में है? 75:25। अगला है सार्वजनिक क्षेत्र का अर्थ है वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का स्वामित्व। अगला है निवेश से परिसंपत्ति की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? इस्पात उद्योग। अगला है भारत में कुल निर्यात का सबसे बड़ा भाग है यूरोपीय आर्थिक समुदाय को। अगला है विभेदी ब्याज दर का उद्देश्य किस रियायती दरों पर बैंक उपलब्ध कराना है? समाज के निर्धनों में निर्धनता वर्ग को। अगला है सुपर 30 का क्या है? यह अमेरिकी व्यापार कानून की वह धारा है जिसके अंतर्गत आयात पर उच्च सीमा शुल्क लगाने की व्यवस्था है। चलिए तो हम बात कर रहे हैं अर्थव्यवस्था से संबंधित वन लाइनर में क्वेश्चन और उनके आंसर। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम किस देश में अपनाया गया? तो यह सोवियत संघ में। अगला है खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। अगला है यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स में। अगला है लिमिटेड कंपनी से क्या अभिप्राय है जिसमें शेयर धारकों की का दायित्व उनकी चुकता पूंजी की सीमा तक सीमित है? अगला है ओईसीडी का पूर्ण रूप क्या है?
ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। अगला है, बैंक किस लक्ष्य समूह के लिए बायोमेट्रिक ऑटोमेटेड टेलर मशीन लगाने की योजना बना रही है? तो ग्रामीण ग्राहकों के लिए। अगला है, बैंक ने हाल ही में नो फील खाते खोलना शुरू किया है। एक खाते ग्राहकों के लिए किस वर्ग की सहायतार्थ है? समाज के कमजोर वर्ग। अगला, अर्थशास्त्र का प्रथम अमेरिकी नोबेल विजेता कौन है? सैमुअलसन, सैमुअलसन। अगला है, भारत में नगरों में निवास करने वाली जनसंख्या कितनी प्रतिशत है? 28%। अगला है, भारत निर्माण कार्यक्रम के किस भाग को व्यय राशि का सबसे बड़ा हिस्सा आवंटित किया गया? सिंचाई को। अगला है, हमारा संयुक्त राष्ट्र की डेवलपमेंट गोल के तहत किस वर्ष तक भूख के प्रभाव को घटाकर आधा करने का लक्ष्य रखा गया था? 2015 तक। वार्षिक मुद्रास्फीति की किस दर को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कंफर्ट जोन लेवल कहते हैं? 5 से 5.5%। अगला है, मैड्रिड प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? चिन्हों के अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण से। अगला है, भारत में सीमांत किसानों में कितनी धारिता वाले किसानों को सम्मिलित किया गया? 1 हेक्टर तक। अगला है, बीमा क्षेत्र की किसी कंपनी में भागीदार के लिए बैंक की नेटवर्थ कम से कम कितनी होनी चाहिए? 500 करोड़ रुपए। अगला है, भारत में आयकर प्रारंभ करने में कौन उत्तरदायी था? जेम्स विल्सन। अगला है, केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई सर्वप्रिय योजना का संबंध किससे है? आवश्यक वस्तुएं सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराने से। अगला है, भारत में लघु उद्योग की परिभाषा किस पर आधारित है? किसी इकाई में संयंत्रों और यंत्रों के लिए निवेश के मान पर। अगला है, 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? फीसी महाल नोबिस। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक ने रूस के किस बैंक को भारत में पहली बार नई दिल्ली में अपनी शाखाएं खोलने के लिए लाइसेंस प्रदान किया? इनकम बैंक को। अगला है, निगम कर किसके द्वारा लगाया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा। अगला है, भारत में मुद्रा स्फीति किसके आधार पर मापी जाती है? थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर। अगला है, ई कॉमर्स से क्या अभिप्राय है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। अगला है, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में। अगला है, राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रधान सचिव कौन होता है? योजना आयोग का सचिव। अगला है, सेल की स्थापना कब की गई थी? 24 जनवरी 1973 को। अगला है, राज्य समिति ने किस पद पर पद कर लगाने की संस्तुति की? कृषि जोतों पर। अगला है, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक का मुख्यालय कहाँ है? बैंकॉक में। अगला है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? सी महाल नोविस ने, पी सी महाल नोविस ने। अगला है, मीरा सेठ समिति का संबंध किस विषय से? हथकरघे के विकास से। अगला है, कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? राजा चलेया को। अगला है, क्लोज्ड इकोनॉमी से तात्पर्य किस अर्थव्यवस्था से है जिसमें आयात निर्यात नहीं होते? अगला है, शेयर बाजार का प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके माध्यम से किया जाता है? सेबी के माध्यम से। अगला है, विश्व विकास रिपोर्ट किस संस्था का वार्षिक प्रकाशन है? वर्ल्ड बैंक का। अगला है, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश में पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ स्थापित किया गया? कोची में। अगला है, धूम मचा दे रंग जमा दे यह किस उत्पाद की विज्ञापन पंक्ति है? पान पराग की। अगला है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति किसने की थी? एम प्रोफेसर ए एम खुसरो की अध्यक्षता में गठित कृषि साख समीक्षा समिति ने। अगला है, नीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन पालन से संबंधित है? मत्स्य पालन से। अगला, अंतरराष्ट्रीय उड़ान भरने वाली भारत की निजी क्षेत्र की पहली विमानन सेवा कौन सी है? एयर सहारा। अगला, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों से संबंध बहुराष्ट्रीय कंपनी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स मूलतः किस देश की कंपनी है? दक्षिण कोरिया की। अगला है, समन्वित ग्रामीण विकास योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को रोजगार दिलाना। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1935 में। अगला है, श्वेत पत्र कौन प्रकाशित करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला है, भारत के राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान किस राज्य का है?
महाराष्ट्र का। अगला, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य क्या है? ऋण उपलब्ध कराना। अगला है, केंद्रीय मूल्य वर्धित कर आरोपित किया जाता है? उत्तर है उत्पादन और अंतरिम बिक्री के मध्य प्रत्येक चरण पर। अगला, निक्की क्या है? टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक। अगला, योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती थी? सरकार की इच्छा अनुसार बदलती रहती थी। अगला, कपार्ट का संबंध किससे? ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों में सहायता से। अगला, कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? राजा चिले आगो। अगला है, किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी? तो यह राज समिति ने। अगला है, आर्थिक विकास की माप के लिए बेहतर माप माना जाता है? राष्ट्रीय आय को। अगला है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? इंग्लैंड में। अगला है, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य क्या था? ग्रामीण क्षेत्र में चयनित परिवारों को गरीबी रेखा को पार करने में समर्थ बनाना। अगला, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम अन्य रोजगार कार्यक्रमों से अलग है, क्योंकि यह रोजगार की एक योजना ना होकर कानूनी व्यवस्था है। अगला, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? तो ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। अगला, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य क्या है? ऋण उपलब्ध कराना। अगला, नई घाटी परियोजना को किसने आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी? तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। अगला है, बाजार अर्थव्यवस्था का प्रबल समर्थन करने वाले प्रमुख अर्थशास्त्री हैं? तो यह एडम स्मिथ, रिकार्डो एवं जे के गालब्रेथ। अगला है, भारत का प्रथम वित्त आयोग का कब गठित किया गया था? 1951 में। अगला है, हमारा भारत में आयकर प्रारंभ करने में उत्तरदायी है? जेम्स विल्सन। अगला है, भारत के किस राज्य को भारत का सिलिकॉन राज्य कहा जाता है? कर्नाटक राज्य को। अगला है, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों से संबंध वह राष्ट्रीय कंपनी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स मूलतः किस देश की कंपनी है? दक्षिण कोरिया की। अगला है, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर उद्योग से संबंधित टाइडल पार्क की स्थापना कहाँ की गई थी? चेन्नई में। अगला है, कंपनियों के साथ पत्रों का मूल्यांकन करने वाली संस्था है? क्रिसिल। अगला है, अमेरिकी सब प्राइम संकट किस क्षेत्र से संबद्ध है? रियल्टी क्षेत्र से। अगला है, नवगठित NHB रेसिडेक्स सूचकांक का प्रारंभ किन 5 शहरों में प्रचलन किया गया? दिल्ली, मुंबई, बंगलोर, कोलकाता, चेन्नई में। अगला है, विश्व व्यापार संगठन ने किस वर्ष दोहा दौर की वार्ता प्रारंभ की? 2001 में। अगला, किस देश ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक ने अपना सदस्यता त्यागने की धमकी दी थी? वेनेजुएला ने। अगला, वेसल जहाँ बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय किस देश में है? स्विट्जरलैंड में। अगला है, आर्थिक विकास व्यापार एवं शांति के बीच संबंधों पर आधारित ग्लोबल पीस इंडेक्स कौन सूचकांक कौन सा थिंक टैंक जारी करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। अगला है, वार्षिक मुद्रा स्फीति की दर किस दर को भारतीय रिजर्व बैंक को कंफर्ट जोन लेवल कहते हैं? तो 5 से 5.5%, 5.5% तक की। अगला है, मैड्रिड प्रोटोकॉल किस विषय से संबंधित है? चिन्हों के अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण से। अगला है, आशा योजना संबंधित है? सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से। अगला है, भारतीय सकल कर में सर्वाधिक योगदान किसका है? निगम कर का। अगला है, कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? राजा चिलैया को। अगला है, सेल वेल ओ एन जी सी इसार ऑयल में कौन एक अन्य जैसा नहीं है? तो इसार ऑयल। अगला है, असंतुलित विकास की अवधारणा की वकालत किसने की थी? ए ओ हर्समैन ने। अगला है, हमारा आर्थिक विकास की माप के लिए कौन सी बेहतर माप है? राष्ट्रीय आय। अगला है, भारत में केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को कौन सा बैंक संपादित करता है? RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला है, मनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य क्या है? अवैध रूप से प्राप्त किए गए धन की आवाजाही पर निगरानी रखना। अगला है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य? अर्थ निजी व सार्वजनिक उद्योगों का सह अस्तित्व। अगला है, ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की हो क्या कहलाती है? गर्म मुद्रा, हॉट करेंसी। अगला है, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? केरल में।
अगला है 11वीं पंचवर्षीय योजना की मध्यावधि समीक्षा में औसत आर्थिक वृद्धि दर का लक्ष्य 9% से घटाकर कितना कर दिया गया, 8.1%। अगला है भारत में उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम स्थान किन किन उत्पादन में, खाद्यान्न में, दुग्ध में एवं गन्ना चीनी के उत्पादन में। विश्व का कौन सा देश गेहूं उत्पादन में सबसे आगे, चीन। अगला, जान की रमन समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था, प्रतिभूतियों के सौदों की जांच के लिए। अगला है निगम कर किसके द्वारा लगाया जाता है, केंद्र सरकार द्वारा। अगला है किसी कंपनी का वास्तविक स्वामित्व कर किसके पास होता है, इक्विटी शेयर धारकों के पास। अगला है विश्व में खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, अमेरिका। अगला है वेट्स बोर्ड सम्मेलन के परिणाम स्वरूप किस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा मौद्रिक संस्थान की स्थापना हुई, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, IMF की। अगला है गोल्डन हैंड शेक स्कीम किससे संबंधित है, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। अगला है किस वित्तीय संस्था का संबंध भारत की कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकता तक ही सीमित है, नाबार्ड का। अगला है सिवारमन समिति की सिफारिशों के आधार पर किस बैंकिंग संस्थान की स्थापना की गई थी, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। अगला है कर सुधार समिति के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए, राजा चिलैया किए गए थे। अगला है नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी, 6वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि। अगला है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई, इंग्लैंड में। अगला है करेंसी एंड फाइनेंस पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रावधान प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। अगला है GNP और GDP में क्या अंतर है, विदेश से शुद्ध साधन आय। अगला है हमारा कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा किस पर की जाती है, अभिदत्त पूंजी पर। अगला है हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है, राष्ट्रीय आय वृद्धि दर से। अगला है निजी क्षेत्र के काशीनाथ सेठ बैंक का विलय किस बैंक में कर दिया गया, भारतीय स्टेट बैंक में। अगला है हीरों का व्यापार करने वाले अग्रणी कंपनी DVS किस देश की है, दक्षिण अफ्रीका की। अगला हमारा ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एवं उनमें बचत की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने के लिए महिला समृद्धि योजना कब प्रारंभ की गई थी, 2 अक्टूबर 1993 में। अगला है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को उनके प्रवर्तकों बैंकों के विलय करने की संस्तुति किसने की थी, प्रोफेसर AM खुसरो की अध्यक्षता में 1989 में गठित कृषि साख समीक्षा समिति ने। चलिए तो दोस्तों ये थे हमारे इकोनॉमिक्स से संबंधित या अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके आंसर।